अपने नेताजी की फिल्म हम 200 बार से ज्यादा चला चुके हैं। हर बार मुहूर्त करके फिल्म शुरू करना जरूरी है क्या? शो का टाइम हो गया है, पेटी लेकर जा रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो भाई, 200 बार क्या, 2000 बार भी फिल्म चला लो नेताजी की। जब तक अपना दोस्त आकर कपूर जलाकर आरती नहीं करता तब तक पेटी नहीं खुलने वाली। ठीक है भाई, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? नमस्ते नमस्ते। हाँ नेताजी, तो रेडी है? सब रेडी है। भगवान करे नेताजी की फिल्म में हिट हो जाए। हाँ पेटी लेकर जाओ। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे प्रशंसक हो। तुमसे जितना हो सकता है उतना गरीबों की मदद करो। हमारे आसपास के ये गरीब लोग ही हैं जिनकी वजह से हम पैदा हुए। ओके नेताजी, ठीक है नेताजी, ठीक है नेताजी, ठीक है नेताजी, ठीक है नेताजी, ओके नेताजी। नेताजी मेरे सपने में आए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इससे गुड मॉर्निंग किसने बोला? एक खूबसूरत लड़की से बात करने में कितनी मुश्किल है भाई। नॉट गुड। आदत नहीं है। चाय गरम, चाय गरम। बहुत अच्छी आदत। चाय, चाय, कॉफी, चाय, कॉफी। हाँ भाई, चाय देना। चाय? आदत नहीं है। अरे क्या बात है, कितनी अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर। मेरा दोस्त विवेक भी डिट्टो आपकी तरह ही है। दिन में चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन अंधेरा होते ही शुरू वही बहुत। सिर्फ इतना ही नहीं, गोरे गांव में नौकरी करता है लेकिन रोज लोकल ट्रेन से दादर पहुंच जाता है। बेचारा एक दिन भी सही स्टेशन पर नहीं रुका होगा, ट्रेन में चढ़ते ही सो जाता है। इडियट फेलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दादर जाना है। वो तो पीछे ही छूट गया। क्या कहा? दादर स्टेशन पीछे छूट गया? हेलो हेलो कंडक्टर, होल्ड ऑन, स्टॉप इट।
प्रिया, प्रिया पता है क्या टाइम हो रहा है, चलो उठो। दीवार पर घड़ी टंगी है ना मम्मी, जाकर उसमें देख लो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। लड़के वाले आते ही होंगे, चलो उठो। ताई जी मैं तैयार हूँ, ड्रेस कैसी है? बहुत अच्छी लग रही हो, देख लो, देखा ना तुमसे छोटी लड़की कितनी जल्दी तैयार हो गई। पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन तुम्हें इससे सीखना चाहिए। ठीक है आंटी, 6 से 7 ट्यूशन पढ़ लूंगी, अब जाओ ना डिस्टर्ब मत करो ना। इसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो ताई जी, जो लड़का आ रहा है उसके मुझसे शादी करवा दो, मैं तैयार हूँ। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अपने पापा का गुस्सा जानते हुए भी बेशर्मों की तरह सोई पड़ी, चलो। पार्वती, पार्वती। नमस्ते सर। आइए आइए। हाँ जी बोलिए, क्या है? होना क्या है, प्रिया कहाँ है? प्रिया नहा रही है। नहा रही है, टाइम देखो जरा। मैं अभी तैयार कर। टाइम देखो, पंक्चुअलिटी का कोई मतलब नहीं आता, लड़के वाले आते होंगे, वो तैयार नहीं है। 5 मिनट में तैयार कर। जाओ जल्दी जाओ। क्या है हाथ में? क्या है? कॉफी। इधर ला, ये लीजिए, पी कर जल्दी दीजिए। इसमें चीनी इतनी ज्यादा क्यों है? मैं चीनी थोड़ा ज्यादा पीता हूँ। तो ये तेरी चाय थी? हाँ। तूने पी थी क्या? मैंने पिया, फिर आपने पिया। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले पूछना चाहिए था ना। ये सुन, मैं जब तुझसे बात कर रहा हूँ तो तू उधर कहाँ जा रहा है? दांत साफ करने जा रहा हूँ ना। क्या तूने दांत साफ नहीं किया? कितना हुआ? 200 रूपए। क्या कहा? 200 रूपए? हाँ। इतनी बड़ी ट्रेन के अंदर अटैच बाथरूम भी था। नासिक से मुंबई आने के 150 रूपए लगे और तू 200 मांग रहा है? 50 दूंगा, रख ले। ओए, जरा इधर देखो, 50 रूपए में तो कचरा उठाने वाला भी नहीं मिलता है, मेरे पैसे दे दो। कचरे वाले का तो पता नहीं, लेकिन तेरे ऑटो में चढ़ने वाले का कचरा जरूर हो जाएगा। हाँ। ये रख, लौटते वक्त पुलिस वाला मार लेगा। चल आ गए, आ गए, चलो। मेरे डैड ने बिल्कुल सच कहा था कि उनके दोस्त से जाकर कहना कि मनी का बेटा हूँ तो तुझे बहुत इज्जत मिलेगी। यार ये तो माला वाला लेकर आ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, रहने दीजिए ना। लगता है मानने वाले नहीं है लोग। ठीक है, आप लोगों की यही इच्छा है तो पहनाइए, पहनाइए। चलो चलो जल्दी पहनाइए। ये तो सीधे निकले जा रहे हैं। चलो दामाद को माला पहना लिए। मेरे लिए नहीं थी क्या? आइए दामाद जी, आइए आइए। हेलो अंकल। आइए समधी जी। ये क्या प्रिया, अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी चलो। ऐसे ही चलूं क्या? अरे ऐसे नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। सगाई किसकी है, मेरी है, आपकी है? आप जाइए, मैं भी आती हूँ। जल्दी आओ, तुम्हारे पापा चिल्ला रहे हैं। हाँ ठीक है। जाओ 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 ना बे। ये क्या मेहमानों को तुम जाओ जाओ कहकर भगा रहे हो? आप अंदर जाइए, मैं तो ये बोल रहा था। हाँ तब तो ठीक है, आओ बेटा। सर मिस्टर विश्वनाथ जी से मिलना है। आप कौन? मैं नासिक के मनी का बेटा हूँ, सूरज। ओ मणिशंकर के बेटे हो, कहाँ है तुम्हारे पापा? कहाँ? घर में रंग का काम चालू है, इसलिए वो साथ आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आज मेरी बेटी की सगाई है, बाद में बात करेंगे। ए ये मेरे दोस्त का बेटा है, तमीज से ले जाकर इसे ऊपर छोड़ाओ। हाँ मैं देख लूंगा, बैग दीजिए सर। सर विश्वनाथ जी के सब कुछ आप ही हैं क्या? आपने इतना सही अंदाजा कैसे लगा लिया सर? वो तो देखने से ही पता चलता है ना सर। सर आपका नाम क्या है सर? पप्लू बाबू। सर 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 रुकिए, आप हंस क्यों रहे मुझे पता है। जानता हूँ सर, मेरा नाम पप्लू बाबू क्यों रखा गया यही सोचकर आप इतना हंस रहे ना। क्यों, इसी बात पे हंस रहे ना? हंसना भूल जाएंगे जब मेरे बारे में जानेंगे। आप गेस्ट हैं, अभी तो आप चलिए। हंसता है। अच्छा मैं ये पूछना तो भूल ही गया, आप काम क्या करते हैं? मैं नासिक में अनएम्प्लॉयड हूँ। हिंदी में बोलिए ना, इंग्लिश नहीं जानते क्या? जितना जरूरी है उतना जानता हूँ, आप हिंदी में बताइए। हिंदी में? हिंदी में, हिंदी में बताऊँ तो वेल हाउ टू से इन हिंदी एग्जैक्टली आई डोंट नो हाउ टू। हिंदी तो निकली ही नहीं। वेल बिना काम का बोल सकते हो। बेकार हो ये बताने के लिए इतना टाइम ले रहे हो, तब अगर काम मिल गया तो फिर तुम कितना टाइम लगाओगे? वो जो काम मिलेगा उसके मुताबिक। रुको, ये बैग पकड़ो, तुम्हारा कमरा ऊपर है, जाओ जाओ कह रहा हूँ ना। इधर देखो, देख क्या रहे हो? आपने तो कहा देखने को, एक बार फिर से देखो। इससे ज्यादा आपकी शक्ल नहीं देख सकता। मम्मी पापा नीचे हैं। मैं तुम्हीं से मिलने आया हूँ, इन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यू नो वन थिंग,
यूजुअली हमारे खाने से पहले सूप देते हैं। क्यों देते पता? भूख और ज्यादा लगे इसलिए। फर्स्ट नाइट से पहले जो दूध देते हैं वो किस लिए देते हैं पता है? मूड को रोमांटिक बनाने के लिए। एंगेजमेंट से पहले क्या दूं जिससे मजा आ जाए? मैं बताता हूं। अब क्या है बोल। पूजा चालू हो गई, जल्दी आओ। आता हूं। बाय। कौन हो? बाप रे, नीचे एक बेचारी लड़की के साथ सगाई हो रही है और ऊपर दूसरी लड़की के साथ फर्स्ट नाइट डिस्कशन। मिस्टर, तुम्हारे मन में जो भी उठपटांग आ रहा है कुछ भी मत बोलो, नीचे मेरी ही सगाई हो रही है। हाँ, ऐसी बात है? वाकई? सच में? ओके ओके ओके। दिखने में तो दूल्हा ठीक ठाक लग रहा है पर उसकी टेस्ट ही थोड़ी खराब है। क्यों समधी जी, किसी का इंतजार कर रहे हैं? वो मेरी बहन को आना था, वही। कोई बात नहीं, वेट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, हम शुरू करते हैं, है ना छोटे? शुरू करते हैं भैया। पंडित जी, आने वाले चैत्र मास की एकादशी को मुंबई में रहने वाले विश्वनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्री कुमारी प्रिया का विवाह श्री राजेश्वर के पुत्र प्रकाश के साथ करने का निश्चय किया गया है। अब आप देख क्या रहे हैं, प्लेट बदली कीजिए। हेलो। ए मणि, मैं हूँ। विची, कैसा है तू? तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मेरा बेटा पहुँच गया ना? हाँ, सुबह देखा था। मैंने उसे कहा था कि फंक्शन खत्म होने के बाद आराम से बात करेंगे, लेकिन वो तो गायब है। यही कहीं दोस्तों से मिलने गया होगा शायद। वहाँ उसका कौन सा दोस्त रहता है? पास में कोई सिनेमा हॉल है क्या? सेकंड शो फिल्म देखने गया होगा। ये क्या बैड हैबिट है? देख मैं। ए, तेरा बेटा आ गया। दे दे, जरा फोन दे उसको, मैं जरा बात कर लूँ। क्या बात करेगा उससे? फिल्म अच्छी थी या नहीं यही उससे पूछेगा ना? वो मैं ही पूछ लूंगा, तू फोन रख। साहब दूध। सर जरा इधर आइए। आप कहाँ घूमने गए थे सर? वो बीच है ना, बीच, वहाँ जरा हवा खाने गया था। खाली हवा? बीच में बहुत भीड़ थी अंकल, हवा ही नहीं मिली। घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में आते वक्त वो मिल गई। अरे वो है ना अपनी माधवी, बस वही लेट हो गया। कौन है ये माधवी? डांसर, डांसर, डांसर। ये कौन है? उसे देखते ही किसी का भी दिल मचल जाता है। कल आप उसका पोस्टर देख रहे थे ना? अजब, तुम्हारे पापा फोन पर परेशान हो रहे थे कि तुम्हें काम नहीं मिल रहा है तो तुम्हें वापस भेज दूं, और तुम बेफिक्र होकर बीच और सिनेमा देख रहे हो। अच्छा, तुम और क्या क्या जानते हो? वेल, म्यूजिक भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है अंकल। म्यूजिक? कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? पियानो, ढोलक, तबला। ओ, तो वो सब यहाँ लेकर आए हो? ओ नो, नहीं अंकल। वैसे अगर आपको चाहिए तो मैं मनी से कहकर वो सब कुछ पार्सल से मंगवा लूंगा। नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं। कितना पढ़े हो? BSc विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक हफ्ते में काम दिलवा दूंगा, तब तक बीच या सिनेमा ये सब बंद रहेगा। ए पपलू। जी साहब। कल सवेरे से अपने आउट हाउस पर छोड़ाना। अच्छी बात है साहब। अंकल, आउट हाउस वैसे ठीक तो रहेगा ना? ठीक नहीं भी होगा तो भी तुम वहीं रहोगे। जाओ। आपने उसके स्टाइल बाजी देखी ना? ए, इसे कड़ाई से पेश आना। अब आप देखिए, इसकी स्टाइल बदल देता हूँ। धक्का देकर अंदर क्यों घुस रहा है? इसे सिनेमा थिएटर समझ रखा है क्या? ये आउट हाउस है। सॉरी, पर मैं इसे थिएटर समझ के ही घुस रहा था। तू तो समझेगा ही, तेरी समझ को अच्छी तरह से सुधार दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है? अब मैंने क्या किया भाई? कोई डिसिप्लिन नहीं है क्या? जहाँ चाहा वही फेंक दिया। तो इसे टांगू कहाँ मैं? हाँ, मेरी गर्दन में टांग देना। हाँ ये ठीक है। तू फिर शुरू हो गया। अरे अब क्या है? ये क्या कर रहा था? पंखा चलाने जा रहा पंखा? था। यहाँ पर क्या मुफ्त की बिजली चलती है? यहाँ किसी भी स्विच पर बिना पूछे हाथ रखने की कोशिश की ना तो काट के रख दूंगा मैं, जान ले। ठीक है जी। इतना डर होना चाहिए? तू किससे बात कर रहा है मालूम है ना? अनुमान से बात कर रहा है।
वो अपने पार्सल ऑफिस की फोटो में पहाड़ को ले जाते हुए जो दिखाई देता है वही ना? क्यों, इससे पहले तूने हनुमान को कहीं और नहीं देखा क्या? नहीं देखा। अब उन्हें मेरे रूप में देखेगा, अक्सर देखा करेगा, क्योंकि इस घर में साहब ही राम है, माँ जी सीता है और मैं ही हनुमान हूँ। इसीलिए इस घर का नाम अयोध्या रखा गया है, समझे ना? तो इस आउट हाउस का नाम लंका है क्या? ये देख, ये मजाक, ये खींचना, फेंकना, पकड़ना, घुमाना, चिढ़ाना, ये सब हरकतें अपने घर तक ही छोड़ दे, समझा ना? समझ गया भाई। समझ गया भाई। एक बार बोल दिया कि समझ गया, तो मेरे जाने के बाद दोबारा क्यों बोल रहा है? नहीं भाई। ये देख, मेरी नकली मुझे देख कर ये मत समझना कि तू जो भी चाहेगा मेरे सामने कर लेगा। एक बात और, जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा गुण भी है, मुझे छेड़ना मत वरना झेल नहीं पाएगा। ये क्या कर रहा है तू? कुछ फंस गया। कुछ ज्यादा ही उछल रहा है तू। काट डालूंगा रास्कल। एक मिनट, यहाँ तुझसे एक जरूरी बात पूछना भूल गया था। अच्छा, ये बीड़ी, सिगरेट, दारू वारू, इन सब की आदत तेरे अंदर है क्या? देख, किसी एक तरह से हिला, या तो ऐसे हिला या फिर ऐसे हिला, सब तरफ हिलाएगा तो समझ में आएगा भाई। कभी कभी चलना, कभी कभी नहीं होना चाहिए ये आदत, कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कहीं भी अगर बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा देखा ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है ना? दरवाजा जाते ही मेरी पीठ पर दरवाजा क्यों दे मारा? मुझे लगा आप चले गए भाई। ना ना, मैं बंद करना जानता हूँ। ओके। ये क्या बात हुई यार, जैसे बहुत बड़ा ताजमहल बनवा कर दे दिया और कह रहे हैं ये मत कर, पंखा मत चला। रूल्स बता रहे हैं, आई एम अ फ्री बर्ड, मुझे एक पिंजरे में नहीं रख सकते। मैं नाचूंगा गाऊंगा, जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगा। क्यों मम्मी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? मनी ने भी आज तक कोई सवाल नहीं किया, तो ये कौन है? स्टुपिड फेलो। रोक दे, यही रोक, ये बस स्टैंड है जो राउंड लगा रहा है। अरे सुनो भाई, एक थैला उठाकर अंदर ले चलो। अरे ये सब कुली का काम किसी और से करवाना, पहले मेरे ऑटो का पैसा दो। ठीक है, मीटर कितना हुआ बता। वहाँ क्या कहा था मैंने, ऑटो में चढ़ते वक्त क्या कहा था? मेरा मीटर नहीं है, कुल मिलाकर 20 रुपए दे देना कहा था ना, तो फिर यहाँ गवारों की तरह क्यों पूछ रहा है तू? रोटी खाता है या घास खाता है तू? क्या खा तूने? रोटी खाता हूँ या घास खाता हूँ? दिखाता हूँ तुझे मैं क्या खाता हूँ। तू मुझे मारेगा, दिखाता हूँ। ये दारिया लेना, ना कर, सब मैं फोड़ूंगा अभी। देख, देख, देख कैसे फोड़ता हूँ। रुकना भाई, मुझे मारेगा भाई। कितने देने हैं बता मेरे भाई? 50 रुपए दे मुझे। अरे 20 रुपए कहाँ था? वो तब कहा था, मुझ पर हाथ उठाए ना, अब 50 निकाल, जल्दी निकाल। ये ले, ये नारियल फूटने से बच गया। आना हमारे एरिया में, तेरी खोपड़ी काट कर टांग दूंगा, समझ गया तू? उससे पंगा लेता है। अगर मैं तेरे एरिया की मार्केट की राजा तू रहा। इधर आ। क्या हुआ भाई, आपने मुझे बुलाया भाई? सुनो, इन थैलों को अंदर लेकर चलो। मैं ले जाऊं? 3000 रुपये तनख्वाह लेने वाला मैं सुपरमार्केट जाकर कुत्ते की तरह घूमकर सब्जियां लेकर आया हूँ, और तू बिना काम के 3 वक्त का खाना ठूसता रहता है, और मैं तू कर रहा है? इसे उठाकर अंदर ले जाना है, इतना ही ना? और क्या? तो पहले क्या होता है? इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? अच्छा, तो मैंने पहले क्या कहा था? ए, जो कह रहा उसे उठा, उसे मैं देख लूंगा, इसे उठा। पता नहीं आजकल आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लग गए हो। क्या 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 कहा? एक मिनट, थैले मुझे दे और नारियल तू लेकर जा। वो क्यों भाई? मैं लेकर चलता हूँ। नहीं, इतनी दूर आ गया हूँ, थोड़ी दूर और बचा है, मैं ही लेकर चलता हूँ। थोड़ी दूर मैं ही लेकर चलता हूँ। क्यों भाई? जो कह रहा हूँ कर, समझा? हर बात पर बहस मत किया कर। ठीक है ठीक है, ये लीजिए। फालतू में काट डालूंगा तुझे। ए पपलू। हाँ माँ जी। तुम अकेले इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, किसी और को क्यों नहीं बुला लेते? अपनी प्रिया की शादी में मैं मेहनत नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? क्यों, आउट हाउस वाले सूरज को बुला लिया होता ना? कौन, जो बाहर से आया है वो वाला भाई? वो क्या मदद कर रहा है जरा आप खुद ही देख लीजिए। देख लिया ना माँ जी, चटनी वाले नारियल से बॉलिंग करते हुए आ रहा है, जैसे खुद को कपिल देव समझता है। बॉलिंग बहुत कर ली, नारियल दे मुझे। क्या भाई, आपने पहले उसे लेकर ये दिया था, अब वापस उसे देकर ये ले रहे हैं, इतने बड़े होकर भी आप ऐसे काम करते हैं, अच्छा लगता है क्या? तू मुझ पे बरसेगा? ए, तू सच बताएगा, सच बताएगा, सच बताएगा? बचपन से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, काट डालूंगा तुझे मैं तो। नारियल दे मुझे। तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। क्या बेटा, वहीं रुक गए, यहाँ आकर बैठो ना। सुंदर,
स्टेज का डेकोरेशन बहुत ग्रैंड होना चाहिए, अच्छे आदमी को लगाना। आप चिंता मत कीजिए भाभी, स्टेज सजाने के लिए मैंने लोगों को लगा दिया है। खाने के मामले में भी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। केटरिंग वालों को मैंने बोल दिया है, कोई कमी नहीं होगी। शामियाना और चेयर टेबल के लिए भी मैंने अलग अलग लोगों को कह दिया है। ये तो तुमने अच्छा किया सुंदर, हर काम के लिए अलग अलग आदमी रखकर हमारी आधी टेंशन दूर कर दी। ये बेकार काम किस लिए माँ जी, इसके लिए ये उसके लिए वो क्यों रख रहे हैं? इसमें गलत क्या है? और नहीं तो क्या, शादी के लिए कई एजेंट मिलते हैं, किसी को बुलाकर सारा काम दे देंगे। टेंट लगाना, कुर्सी बिछाना, चादर बिछाना, फूल लगाना, दरवाजे पर वेलकम करना, गाने बजाने से लेकर खाना खिलाने वालों को खुद लेकर आएगा, तो हमारा काम क्या रह जाएगा? खरीदे हुए नए कपड़ों को पहनकर पंडित के पास जाकर बच्चों को आशीर्वाद देकर फोटो के लिए पोज देना, ये हमारा काम है। दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गई है। ये भी ठीक कह रहा है पद्मा, पप्लू का आइडिया ठीक है ना? हाँ दीदी, पप्लू तुम तुरंत तेजन को बुला। हाँ मैं लाया। सूरज बेटा तुम क्यों उठ गए? वो क्या है ना कि जो शादी होती है ना, ये जैसा कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर टेंट लगाना, चादर बिछाना या फूल सजाना नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसा करना शादी नहीं होती है। तो फिर कैसे होती है? बोल 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 बोल। हाँ, ऐसे पूछो। आंटी जी ये लीजिए, पहले पीछे ये लीजिए। आंटी जी बोलो। शादी का मतलब एक महीना पहले से ही रिश्तेदार पहचान वालों के पास खुद जाकर शादी का इन्विटेशन कार्ड देकर आना चाहिए। शादी के पहले दिन ही सारे घर में रिश्तेदारों की भरमार हो जानी चाहिए। रिश्तेदारों को दरवाजे पर रिसीव करने के लिए हाथ जोड़कर, अगर पुरुष है तो चंदन और स्त्री है तो सिंदूर देकर उन्हें घर में लाकर बैठाना चाहिए। और अगर उस समय आप बिजी होंगी तो ये आएंगी। नाम क्या आपका? पद्मा। पद्मा बहुत बढ़िया नाम है। आप इन्हें कहकर भेजिएगा कि हर आने वाले का ख्याल रखें। जब आप उनसे ये बोल रही होंगी मोबाइल बजने लगेगा, कोई काम का आदमी होगा फोन पर, और जब आप उनसे बात कर रही होंगी तभी हाँ प्रिया की फ्रेंड्स आ रही होंगी। हाय आंटी, कैसे हैं? वाह, ठीक है बेटा। नाम लिया और ये लोग आ भी गई। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। हाय प्रिया। हाय प्रिया। वो तो ठीक है, पर आगे क्या करना हो तो बताओ। आगे तू यहाँ क्या कर रहा है बैठकर? मेहमानों के लिए कॉफी लेकर आ। क्या कहा? जा बे। ऐसा मैं नहीं कहूँगा भाई, माँ जी कहेंगी। इसीलिए एजेंट को बुलाने को कह रहा हूँ, मेरा काम वो करता ना, अब मुझे करना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पप्लू जी? यहाँ के लोग हमारे अलावा जानते किसे हैं, तो हमें ही करना होगा ना। तो फिर हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ खाना चल रहा होगा। ए, इनके लिए दाल लेकर आओ, हम कहेंगे। मुझे दाल नहीं छोले चाहिए, ऐसा वो कहेगा। अरे भाई दाल नहीं छोले लेकर आओ, ऐसा हम कहेंगे। वही साथ में बैठा आदमी कहेगा हमें बैगन की सब्जी चाहिए, जब हम बैगन की सब्जी के लिए कहेंगे तो यहाँ से रायते की आवाज़ आएगी। जब हम उन्हें रायता दे रहे होंगे तो ठीक उसी समय कोई बैगन की आवाज़ लगाएगा और हम उसे वो देंगे, है ना? इस तरह से अगर हम अपने मेहमानों का ख्याल रखेंगे तो सभी हमारा गुणगान करेंगे कि भाई विश्वनाथ जी की बेटी की शादी में हमारी बड़ी खातिरदारी हुई। अब ये सब काम कोई कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी कर सकता है, अक्कल होनी चाहिए। किसे होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर लोगों को भाई। इसलिए अब हमें कोई नहीं चाहिए, सारा काम हम लोग खुद आपस में मिल बांट कर लेंगे। ए कमाठी, किस जमाने से आया है तू? आजकल लड़का लड़की एक दूसरे को आमने सामने देखने के बजाय इंटरनेट पर बैठकर खुद ही शादी कर लेते हैं, और तू है कि रिश्तेदारों के घर जाकर, पहचान वालों के घर जाकर खुद काट देने की बात कर रहा है। बकवास मत कर, निकल जा यहाँ से। क्यों आई है? मुझसे बात मत कर। ए, सॉरी यार, सॉरी। तेरे फंक्शन में नहीं आई इसलिए नाराज है ना? एक्चुअली क्या हुआ? मैंने रीजन पूछा क्या? मेरी बात तो सुन प्रिया, मैं तेरी एंगेजमेंट पर आ रही थी, पर अचानक फोन आ गया कि दादी की तबीयत खराब है और वो सीरियस है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। दादी को क्या हुआ? बैड लक। टिकट कट गई क्या? कट गई होती तो गुड बाय कह दिया होता, पर दादी तो यमराज को भी ठेंगा दिखाकर बच निकली। संभल कर, एंगेजमेंट में ठेंगा दिखाकर मैरिज में टेंशन ना कर दे। कह नहीं सकते, दादी का कोई ठिकाना नहीं। पर तेरा क्या, लाइफ को एंजॉय करने का वक्त है और तेरी मैरिज फिक्स हो गई। पर तू ऐसा क्यों कह रही है जैसे तू बुढ़ी हो गई हो? उम्र तो है यार, पर इसका क्या फायदा? जब तक किसी को फंसा न लो तो लाइफ का क्या फायदा? एंजॉय करने के अलावा तुझे और कुछ नहीं आता क्या? नहीं आता। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेगी ना? कोई बात नहीं, बोल। शादी वादी छोड़, सीधे हनीमून पर जा। छी छी, तू भी आजकल कैसी होती जा रही है? ये कौन है? हेलो, तुझसे पूछा ये कौन है? डे टाइम में बॉडी डेवलप कर रहा है। डैडी के फ्रेंड का बेटा है, नाम सूरज है। इस बंदी की बॉडी कंडीशन तो बहुत बढ़िया है, बायो डेटा उतना ही बैड कंडीशन में है। चल चल।
प्रिया मैं चलती। ओके बाय बाय। शाम को फिल्म देखने चलें? नहीं, मुझे डैडी से परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन नहीं लेती रे, घर पर रहे। मैं चलती हूँ। देख रही है ना, लगता है मिस्टर इंडिया बनने की तैयारी में है। लगता तो है। एक तेरा टाइम हो रहा है, जाना। बाय प्रिया। बाय पप्पी। पहुंच कर फोन करना। या तमीज नाम की चीज ही नहीं। ये सूरज मधुमक्खी की तरह इधर उधर क्यों घूम रहा है? चर्बी है, चर्बी। सारे बदन में चर्बी है। रुक, पपलू से बोलकर कम करवाती हूँ। ए सूरज, अबे सूरज, इधर आ। अरे भाई, आपने बुलाया भाई? आखिर तू अपने आप को समझता क्या है? क्या समझता है तू? तू यहाँ पर अपने घर से इसलिए आया है ताकि मेरी हर बात की अवहेलना करे तू? कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी भाई? और आप इतने टेंशन में क्यों हैं? क्यों हूँ? सब कर धर के मुझसे पूछ रहा है कि मैं टेंशन में क्यों हूँ? क्या है ये, क्या है ये? क्या भाई, आप इतना भी नहीं जानते? चड्डी है भाई, चड्डी, चड्डी। चड्डी है? ऐसे बता रहा जैसे पहले कभी मैंने देखी नहीं, पहनी नहीं। तुझे कितनी बार समझाया कि इस तरह की हरकतें मत किया कर, पर तू है कि सुनता ही नहीं? तूने इन्हें यहाँ क्यों डाल रखा है? भाई बाहर जगह नहीं है, इसलिए अंदर सुखा रहा हूँ। बाहर जगह नहीं है क्यों? बाहर नेशनल पार्क की तरह इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें इतनी से चड्डी सुखाने की जगह नहीं मिली? घर में जवान लड़की रहती है पता है ना, उसके सामने ऐसे छाती दिखाई और टी-शर्ट घुटनों तक का ये कच्चा अच्छा लगता है क्या तुझ पर? क्या भाई, छोटी छोटी बातों को खींच खींच कर इतना बड़ा कर देते हैं? बड़ा कर देता हूँ मैं क्या तुझे? गुब्बारे वाला दिखता हूँ, गुब्बारे वाला दिखता हूँ मैं क्या? अच्छा एक बात तू बता, ऐसे भोलेपन का रिएक्शन देने वाला ये चेहरा कहाँ से लेकर आता है तू? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। तुझसे ही पूछ रहा हूँ, पहले आग झपकाना बंद कर। आग झपकाना बंद कर कह रहा हूँ ना। अबे घूर रहा है? अरे अरे देखो तो, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तू ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? क्यों बंद किया दरवाजा? तुझे डांट रहा हूँ, ये बात बाहर किसी को पता ना चले इसलिए। तो ये बात पहले सोचना चाहिए था ना, तुम्हें उछलना भी तो कम चाहिए था ना। अबे हाथ घुमा रहा है। सुअर को शहर में भी घुसने नहीं देते और ये यहाँ घर में ही घुस आया है। कौन है सुअर? चिल्ला कौन रहा था? मैं ही चिल्ला रहा था। तब तो फिर तो ही हुआ। अरे बाप रे बाप, मैं अपना चेहरा लेकर कहाँ से आया? अरे मारा क्यों? मुझे वैसे ही दबोच लिया था ना, तो फिर दिलीप कुमार की तरह बेल्ट क्यों निकाल लिया है? इधर आ बे। अब से ये चड्डी सुखाना ये उसे वो, कहीं भी ले जाकर सुखाओ। चाहो तो मेरे सर पर पहना दो, मैं बाहर जाकर सुखा कर ले आऊंगा। ये पंखा चलाना और या फिर मुझसे कहना मैं चला दूंगा। ये ले। बहुत बहुत थैंक्स। ये तेरे लिए नहीं है तो फिर जाकर मेरे लिए एक पैकेट लेके आ, यही ब्रांड होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। मेरी सिगरेट पीने वाली बात घर में पता चली तो मुझे उठाकर दोबारा टांग दोगे ना? चमड़ी उधेड़कर टांग दूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? ये देखो, आपकी सिगरेट का धुआं भी बाहर न जाने पाए इतना ध्यान रखूंगा, ठीक है? और हाँ, मैंने आपसे जो भी मजाक किया वो आप सच मान गए? बाप रे बाप, ये अचानक चेंज क्यों हो गया? कुरियर है? हाँ कुरियर है। पेन भी कुरियर से आया क्या? साइन करके वापस दे दीजिए। थैंक यू। ये क्या है? ऐसे दे गया है जैसे किसी आदमी की वसीयत हो। फ्रॉम मनी शंकर नासिक। ये मनी शंकर कौन है? कहीं ये आउटहाउस वाले के लिए तो नहीं आया? हो सकता है। सुनना, इसे खोलकर पढ़ा जाए क्या? किसी दूसरे का लेटर पढ़ना सही मैनर नहीं होता। ए, मेरा कोई मैनर्स नहीं है, मैं इसे पढ़ने वाली हूँ, तुम्हें आना तो नहीं तो जाओ। ए, ये तो इतना बड़ा लेटर है, लाइफ हिस्ट्री लिखी है क्या? रुकना, पढ़ती हूँ। प्यारे विश्वनाथ के लिए मणि का पत्र। उस दिन एसटीडी के बिल के डर से अपने बेटे के बारे में ठीक से बता नहीं सका, वो सब इसमें लिख दिया है। मैं कुछ सच बताऊँ तो गलत मत समझना, उसके बारे में गलत ही बता सकता। एक बात बताता हूँ, जब उसकी उम्र कुछ 12 साल की होगी। अरे भाई मनी, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। सच बोल रहा है? और नहीं तो क्या भाई, हमारे बेटे मरीज बनकर लाइन में खड़े हैं और तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनकर सबके लिए दवाइयां लिख रहा है। डॉक्टर सूरज FRCS। क्या है मनी? इधर तो आओ डॉक्टर। ए रुक, मैं आता हूँ।
बोलो क्या है मनी? आ गया मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। सूरज बड़ा होकर तो हमारे गांव में डॉक्टर बनकर आएगा ना? अरे नहीं नहीं, मैं अपने गांव के सिनेमा हॉल में टिकट काटने का काम करूंगा। पढ़ो। मुझे भी झटका लगा था, पर सोचा अभी तो बच्चा है, बड़ा होने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने बड़े होने के बाद मुझे ऐसा झटका दिया। वाह नेताजी की क्या फाइट होती है, मजा जाता है। ओ भाई माचिस तो दो ना। आखिर तक पी चुका है, सिगरेट का असली मजा लेने वाला यही लगता है। क्यों भाई इसका फिल्टर भी तुम पी जाओगे क्या? जरा पी के दिखाओ तो। मनी मनी तुम गलती हो गई, सॉरी मनी। अरे पापे, आगे बढ़। इन छोटी छोटी परेशानियों के बीच एक बड़ी परेशानी आ गई, वो थी फाइनल एग्जाम। उसके नाम के पीछे एक डिग्री लगाने के लिए मैंने जो गिरी हुई हरकत की थी वो दुनिया का कोई भी बाप नहीं करेगा। यार जो पढ़ा था वो सब तो कुछ आया ही नहीं, क्वेश्चन पेपर गलत तो नहीं दे दिया? लेट क्यों हुए? ठीक है पिको। कौन पर्ची फेंक रहा है? बाकी लोग तो किताब रखकर नकल करते हैं, मैंने एक छोटी सी पर्ची फेंकी फिर भी भगा रहे हैं। आगे। अब वो कोई गलती करता है तो उसे सवाल करने का मेरा दिल ही नहीं करता, आदत सी पड़ गई है। हो सकता है मुझसे थोड़ा दूर रहकर शायद वो कोई बड़ा आदमी बन जाए। विजय उसे अमेरिका, अफ्रीका, किसी भी बाहर देश में भेज दे, अगर वो नहीं हो सकता तो उसे नेपाल भेज दे। मेरा बेटा विदेश में काम कर रहा है ये बात मैं चार लोगों को गर्व से कह सकूंगा। तुम्हारा दोस्त मणि। ए पापी वापस चलते हैं, चुप कर। आइए आइए। अचानक आउट हाउस की तरफ कैसे? बस ऐसे ही, ये डॉग बहुत अच्छा ड्रॉ किया है ना पप्पी? करेक्ट। क्या डॉग? वो घोड़ा है जी। ओह ये घोड़ा है, सॉरी सॉरी। ए कुछ घोड़े इनके इस डॉग की तरह ही दिखते हैं। यही बताने के लिए तुम दोनों यहाँ पर आई हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कल तक मैं आपको अपने घर का मेहमान ही समझती थी, पर अब आपकी पूरी हिस्ट्री पता चल गई है। मेरी हिस्ट्री आपको कैसे पता चली? वो मेरी मम्मी ने हमें बताया। ओह आंटी ने बताया होगा, बताया होगा। मेरे बारे में तो आप लोग जान गई, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। आई एम पप्पी, 9th स्टैंडर्ड, माया रानी, वेस्ट कांदिवली, मुंबई, महाराष्ट्र। क्यों पिन कोड याद नहीं है क्या? ये प्रिया है, लास्ट ईयर बीएससी की, इस साल मैरिज करने वाली है। और नेक्स्ट ईयर क्या करने वाली है? ये कुछ भी कर लेगी, आप अपने सपने के बारे में डिटेल में बताइए। आईएएस बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है, लेकिन अब तक तो सिर्फ बीएससी ही कर पाया हूँ। क्या कहा, आईएएस बनना आपका सपना है? विश्वास नहीं होता। विश्वास कैसे होगा जी, जब आप मेरा सपना पूरा सुनेगी ना तो झटका लग जाएगा। कोई नहीं बताइए ना, हम लोग सुन लेंगे। मेरा सपना हा? बताता हूँ। मैं आईएएस पास करने के बाद अपने ही डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनकर सीएम से फोन पर बात कर रहा हूँ। उसी समय मेरे डैडी मुझसे मिलने वहाँ आते हैं, वो दरबान होता ना दरबान, ये कहकर कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, मेरे डैडी को कॉरिडोर की बेंच पर बैठा देता है। और मेरे डैडी भी बिना कुछ कहे वहाँ चुपचाप बैठकर मेरे बात करने के तरीके को बस यूं ही देखे जा रहे हैं। सीएम से बात करते करते अचानक जब मैं मुड़कर देखता हूँ मेरे डैडी, फोन पर सीएम, बाहर डैडी, एक पल को तो कुछ समझ भी नहीं आया। फिर मैं सीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आईएएस बनाने वाले मेरे डैडी आए हैं और मैं फोन रखकर भागकर बाहर आता हूँ। मेरे डैडी मुझे देखकर खड़े हो जाते हैं और मैं उनके पैरों पर गिरकर उनसे कहता हूँ, आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार करवा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। और वो क्या करते हैं कि मेरा कॉलर ऊपर उठाकर कहते हैं,
तू इतना बड़ा आदमी होकर भी, इस जिले का कलेक्टर होकर भी मुझसे मिलने बाहर तक आया है? और रोने लगते हैं, उन्हें देखकर मैं रोने लगता हूँ, उनका रोना मेरा रोना, हम दोनों का रोना देखकर दरबान रोने लगता है, और फिर सारा कलेक्टर ऑफिस आंसू में बहने लगता है, रे बहने लगता है। सर? यस साहब। यहाँ आए हैं? बुला रहे हैं। वो क्यों? क्यों ये तो नहीं पता, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कोई बहुत जरूरी बात है। वन मिनट हाँ, एक्सक्यूज मी, अपना सपना आधे में छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके बाप रे। आइए अंकल, बुलाया आपने? ये क्या है जानते हो? आपने किसी किताब के लिए कहानी लिखी है अंकल? ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी कहानी लिखी है। क्या मनी ने? मनी ने लिखी है कहानी? क्या लिखा है मेरे बारे में अंकल? एसटीडी पर तुम्हारी कहानी बताएगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाएगी, इसलिए इतना बड़ा लेटर लिख कर भेजा है। मनी मनी तो बस ऐसा ही है अंकल, कॉमेडी करता रहता है, उसकी बात का बुरा मत मानिए अंकल। ठीक है, ये बताओ किस तरह का काम करना चाहते हो? कोई आईएएस या आईपीएस लेवल में ना मिले तो भी, मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए तो भी बहुत है अंकल। सोचा था तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद लग रहा है तुम्हें नौकरी से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। नहीं अंकल। जी अंकल, थोड़ी थोड़ी सी जरूरत है। अपने शहर की हरकतें यहाँ मत दिखाओ, तुम्हारे पापा की तरह मैं अच्छा नहीं हूँ। हाँ जानता हूँ। नहीं अंकल, मेरा मतलब आप उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं। मुंह कुछ ज्यादा ही खुलता है, उसे कंट्रोल कर लो। क्या हुआ, आवाज क्यों बंद हो गई? कंट्रोल में होना अंकल। सूरज, तुम्हारा सपना बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी भी बता दो ना, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। हाँ सही बोल रही है, ऐसी फेंकू बातें सुनकर सर फटेगा नहीं तो और क्या होगा। तुम भी ना, जैसे सूरज फेंकता है तुम भी वैसे ही बोल रही हो। हाँ तो कोई शक है तुझे? ये आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, सीएम से सीधे बात करेंगे, ये देखकर इनके पापा रोएंगे और ये पापा को देखकर रोएंगे, इन दोनों को देखकर दरबान रोएगा और फिर सारा ऑफिस रोने लगेगा। क्यों आपने हंसना क्यों रोक दिया? हंसिए, अच्छी तरह से दिल खोल के जितना हंसना है हंस लीजिए। क्यों, मेरे पढ़ लिख के कलेक्टर बनने का, वो भी अपने शहर का कलेक्टर बनने का सपना देखना गलत है क्या? पढ़ाई में इतना वीक क्यों, कभी किसी ने सोचा है क्या? तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते मेरे लाइफ की जो ट्रेजेडी है वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। प्रिया, तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, तुमने कभी किचन में जाकर खाना बनाया है क्या, या फिर किचन कैसा होता है कभी देखा है क्या? पर मैं ऐसा नहीं हूँ, छोटा था तभी मेरी माँ चल बसी। पांच साल की उम्र से ही मैं अपने पापा मनी को खाना बनाकर खिलाता आ रहा हूँ, पता है? जिन हाथों को कागज कलम में बिजी रहना था उन हाथों से मैं रोज अपने डैडी के लिए चाय बनाकर, खाना बनाकर, टिफिन में रखकर, जल्दबाजी में स्कूल जाकर, वहाँ आधी अधूरी पढ़ाई करके घर वापस आकर खाना बनाकर अपने डैड को खाना खिलाकर सारे बर्तन धोकर रात के 11 बजे किचन से बाहर आता था। फिर मुझे सोना भी तो होता था ना, मैं पढ़ाई कब करता? उस मनी को खाना बनाकर खिला खिलाकर मेरा कलेक्टर का सपना उसी चूल्हे में जलकर खाक हो गया। आपको इन सबसे क्या मतलब, बस दूसरों को देखकर तालियां बजाकर हंसते रहिए? आप लोगों को समय काटने के लिए कोई लल्लू चाहिए ना, तो ठीक है, हंसिए, खूब खुलकर हंसिए। मेरे रोने से आपको हंसी आती है तो फिर मैं रोज 1 घंटे आपके सामने आकर कलेक्टर ना बनने का दुखड़ा सुनाकर रो लूंगा, तो आप खूब दिल खोलकर हंस लीजिएगा। ए चश्मिश, तू भी हंसना। पर ये क्यों हो रहा है? ए, 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 ए। क्या तू ऐसे औरतों की तरह क्यों रो रहा है? कुछ नहीं भाई, तुम्हें कलेक्टर बनाए बिना तुम्हारे बापू ने तुम्हें चूल्हे पर बैठा कर तुम्हारी जिंदगी ही काली कर दी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई सूरज, तुम किसी न किसी दिन कलेक्टर बन ही जाओगे, बन जाओगे, बन जाओगे, बन जाओगे। ए, मैं कलेक्टर बनूं या नहीं, पर तू हॉस्पिटल में जरूर एडमिट हो जाएगा, जल्दी से होश में आ जा, जाकर अपना काम कर। ढीले ढीला, इसी के लिए तो रो रहा था ना, मुझे ढीला बोल गया? अरे यार, मेरे सारे इमोशंस बेकार चले गए।
हेलो, कौन? ओए मनी, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सूरज, कैसे हो तुम? जल रहा हूँ मनी, बहुत जल रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? अरे क्या यार, कॉलोनी के सारे लोग तो बोलते ही थे, अब तुम भी बोलने लगे। और नहीं तो क्या, संदेश तो ऐसे लिखकर भेजा है जैसे किसी राजा महाराजा के बारे में लिखकर भेजा हो। अपने बेटे की ऐसी बेइज्जती करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तेरी बेइज्जती करने के लिए नहीं बेटा, वो ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या, ये भी कोई बात हुई? बीएससी के एग्जाम में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बुलाया था कि मेरे लिए चिट लेकर आओ, या मेरे पास होने के लिए तुम खुद नकल लेकर आए थे और फंस गए थे? वो सब पढ़कर विजी ने तुझे डाटा कि क्यों नकल की थी? विजी ने डाटा होता तो कोई बात नहीं होती मनी, विजी ने डाटा होता तो कोई बात नहीं होती, पर उसके घर में दो लड़कियां भी तो है ना, वो दोनों उसे पढ़ पढ़ के हंस रही है मनी। अब मैं बाहर किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गया हूँ मनी। अरे रो मत बेटा रो मत, चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों लड़कियों को एक लेटर लिख देता हूँ, लिखता हूँ कि वो एक स्टोरी थी, मेरा सूरज तो बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा झूठ मूठ लिख देता हूँ मैं। रहने दो मनी, मेरी बात सुनो, अब से तुम मेरे नाम पर कोई भी लेटर मत लिखना, अगर लेटर लिखने का मन करे ना तो भगवान को प्यारे अपने पिताजी को लिखना। अरे मुझे उनका एड्रेस नहीं पता है। क्या यार, चलो फोन रखो। गुड मॉर्निंग पप्पी। राजेश देख देख, पॉपी हमारी कॉम्प्लान गर्ल है। पॉपी रोज कॉम्प्लान पीती है। क्या पप्पी, ये लड़के कुछ ज्यादा खिंचाई कर रहे हैं? हाँ सूरज, बहुत गुस्सा आ रहा है ना। देखो पप्पी, अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है ना तो यूं औरतों की तरह आंसू मत बहाया करो। ये देखो, अपनी उंगली को ऐसे मोड़ कर रख लो, इस मुड़ी हुई उंगली से खींच कर पेट पर मारोगी ना तो वो बस पर चढ़ना भूल जाएगा, एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा उसके लिए। सच बोल रहे हो सूरज? एक बार ट्राई करके तो देखो। क्या घूर क्या रही है? ये हुई ना बात, हो गया काम। यस थैंक्स सूरज, सुपर आइडिया दिया। अब आगे से यही आइडिया अपनाना। बाय बाय पप्पी। बाय सूरज। अपने भाई को बताता हूँ, फिर देखना। संभल कर गिर जाएगी। थैंक्स अंकल। चलो। देखो भाई, मैं आपकी टेंशन समझता हूँ, हमारे घर की लड़की को इन लड़कों ने कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया, ईव टीजिंग का केस न बन जाए इसलिए हल्का सा एक पंच देने के लिए कहा था, बस और कुछ नहीं। ओए रुक, एक लड़की के हाथों मेरे भाई को पिटवाया तूने। क्या हुआ पप्पी? चाय कॉफी को चाहिए? क्यों, कोई काम पड़ गया तुम्हें? एक बुके चाहिए सूरज। पता था, अब किसे बुके चाहिए? दीदी को। एक बात सुनो पप्पी, मैं इस घर में किसी की भी हेल्प कर दूंगा लेकिन तुम्हारी दीदी की हेल्प कभी नहीं करूंगा। प्लीज सूरज, पार्टी का टाइम हो गया है,
हमारे लिए नहीं तो उस आशा के लिए तो ले आओ। है? किसके लिए? आशा के लिए? हाँ, दीदी की सहेली आशा उस दिन घर पर आई थी, भूल गए क्या? वो कोई भूल जाने वाली चीज है क्या? प्लीज सूरज, जल्दी लेकर आओ ना। ए पपी, मक्खनबाजी मत कर, जाते समय हम खुद ले लेंगे। क्या हुआ सूरज? तुम्हारी दीदी की हेयर स्टाइल देखकर पेट में गड़बड़ी हो गई, उल्टी आ रही है। हेलो, मेरे हेयर स्टाइल पर कमेंट मत करो, तुम अपना काम करो। अगर ऐसे जाओगी तो चिड़िया बालों में घोंसला बनाकर रहने लगेंगी। आराम से खुले बाल में जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे पता है। एज अ फ्रेंड मैंने कह दिया था, अच्छा लगे मानो नहीं तो मत मानो। मैं जाकर आशा के लिए बुके लेकर आता हूँ। क्या हुआ पपी? पार्टी शुरू होने का टाइम हो रहा है, वो बुके लेकर अभी तक नहीं आया, हमें खुद खरीद लेना चाहिए था। आराम से खुले बाल में जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। हाय 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 पपी, चलें क्या? ओ, तो फिर चलते हैं। हेलो, तुम कहाँ चल दिए? बर्थडे पार्टी में। हम लोग चले जाएंगे, तुम जाओ। क्या मजाक कर रही हो? नहीं आशा है ना, मैं विश करके तुरंत भाग जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, हमारी विशेष के साथ तुम्हारी भी विशेष दे देंगे। तुम मुझे भगाने में क्यों लगी हो? हाँ, उस दिन जब वो घर आई थी तब उसके सामने जो हरकत की थी ना वो काफी है, यहाँ पार्टी में बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं। यू प्लीज आउट। तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैं जो कुछ भी हरकतें कर रहा था उसे पटाने के लिए कर रहा था? मेरी पर्सनालिटी इतनी वीक नहीं है मैडम। 10 मिनट्स ही काफी हैं। तुम्हारी आशा ही नहीं, विश्व सुंदरियां भी इतनी देर में मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगी। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, और वो 10 मिनट में पटने वाली लड़कियों में से नहीं। अच्छा, तो शर्त लगाती हो? ओके। तो ठीक है, पक्का, देख लेना। हाय प्रिया। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाउ आर यू? फाइन। हाय। ठीक है ठीक है, पार्टी का टाइम हो गया, चलो चलो। जानती हूँ मैं कल तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार। अच्छा, क्या तो सबका पीना वीना चालू है? ये आपको कैसे पता? वो सब तो आपके पहनावे को देखकर ही समझ में आ जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? ईशा। हाँ, हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? देखो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। इनफैक्ट इस पार्टी में मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया है, बस प्रिया के साथ आए हो इसलिए कर्से की वजह से बात की, पर बिना बात किए ही भाग रहे हो। पास आने पर ऐसे करते हो जैसे मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। आखिर तुम्हारे दिल में मेरे बारे में क्या है? मेरे दिल में जो है उसे मैं कहने की हिम्मत तो रखता हूँ, लेकिन उसे सुनने की शक्ति आप में है या नहीं नहीं जानता। पहली बार आपको घर पे अरेबियन घोड़े जैसी कार से उतरते देखा, और जब से मैंने आपको वैसे देखा तब से मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। गांव की सुंदरियों से लेकर शहर की ब्यूटीज तक को देखकर ना मचलने वाला मेरा ये दिल आपको देखकर पहली बार में फिसल गया। दोबारा आपको देख पाऊंगा या नहीं ये नहीं सोचा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आज आपका बर्थडे है। मुझे तो इस फंक्शन में इनवाइट किया ही नहीं गया था, तो मैं जाऊं या ना जाऊं दिमाग में यही कंफ्यूजन चल रहा था। लेकिन बेइज्जती की फिक्र ना करके, सिर्फ आपके लिए ही सही, ये सोचकर आ गया कि कोने में खड़े होकर आपको विश करके चला जाऊंगा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। ओ प्लीज 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 प्लीज, नहीं, कृपा करके आप मुझे ऐसे मत देखिए। आपकी आंखों के जो भाव है वो मुझे, मेरे दिल को, मेरी जिंदगी को ऊपर से नीचे तक डिस्टर्ब कर रही हैं। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वहां पर वो बेचारी आशा तुम्हें ढूंढते हुए चक्कर काट रही है, चलो। अब तो आप मेरी पावर को अच्छी तरह से समझ गई होंगी, आगे से सोच समझ के बात कीजिएगा। तुम मेरी बात छोड़ो, वो बेचारी तुमसे बात करने के लिए तड़प रही है, चलो। मैं आशा से क्यों बात करूं? पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया, वो तुम्हारा ही नाम ले रही है और अब कह रही है कि तुमसे ही शादी करेगी, चलो। अरे नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे शर्त जीतने के लिए थोड़ी देर प्यार करने का नाटक किया था बस, उसके लिए हाथ में उम्र भर का लाइसेंस मत थमा देना। सूरज, आशा के डैडी होल्ड पर है, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हें बुलाने को कहा है। इस पार्टी में आकर ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। हेलो हेलो, तुम दबाकर कहाँ भाग रहे हो? आशा को मैं क्या जवाब दूँ? कह दो ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है, ना माने तो कह देना मेरी दो बेटियाँ भी हैं, मुझे माफ कर दो। चले यहाँ से चलते। भैया ये लो। अरे लक्ष्मी, अचानक से फोन किया होता मैं स्टेशन पर आ जाता। फोन करूंगी सोचा तो था,
लेकिन मैं प्रिया की सगाई में नहीं आई थी तो सोचा आप लोग मुझसे नाराज होंगे, इसलिए सरप्राइज देने ऐसे चली आई, और कोई बात नहीं है। तुम चाहे जो भी सरप्राइज दे दो पर हमारा गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला, आप बोलिए ना। तुम भी ना पार्वती। सॉरी भाभी, जिस दिन निकल रहे थे उस दिन मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा, उन्हें कोई देखने वाला है भी नहीं। मैंने उस दिन फोन करके आपको बताया तो था, अभी तक गुस्सा नहीं कम हुआ। लक्ष्मी, बुआ आप हमें तो समझा सकते हैं लेकिन प्रिया को नहीं। अरे वो भी यही है क्या? ए, तुम चुप रहो, आते ही से पूछताछ शुरू कर दी, जाओ कॉफी बनाओ। भैया वो सब रहने दो, पहले मैं उसके पास जाकर एक्सप्लेन करती हूँ। कहाँ है प्रिया? प्रिया बुआ से ज्यादा प्यार अब तुझे पियानो से हो गया है। हाँ, मुझसे ज्यादा आपको अपनी सास जरूरी थी ना। ऐसा नहीं है। छुईए मत मुझे, मैं आपसे गले तक नाराज हूँ। मेरी सगाई में आप नहीं आई तो पता है मुझे कितना दुख हुआ था? जिस बुआ से बचपन से मैं जुड़ी हुई हूँ उसने मुझे ये सिला दिया। क्या हुआ बुआ, मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, मैंने ही तुम्हें दुखी कर दिया था। मैं चाहे तुम्हें कुछ भी कहना चाहूँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं भी तुम्हारी तरह इस घर में जिद करती थी लेकिन अब नहीं करती। शादी के बाद अपने भैया भाभी से मिलने के लिए भी अपने सास और ससुर से मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती और जाना भी नहीं चाहिए। एक बात मुझे समझ नहीं आती, शादी से पहले कोई लड़की अगर कहीं भी जाए तो साथ में किसी पहचान वाले को भेजते हैं, लड़की अगर बाहर पढ़ने जाए तो उसे हॉस्टल में रखवाएं या किसी पहचान वाले के घर में, ये सोचते हैं। काम से बाहर जाना हो तो भी पहचान वालों के घर रुके। इतना ही नहीं, अगर शॉपिंग करनी हो, थिएटर जाना हो या मंदिर ही जाना हो, पहचान वाले को साथ भेजते हैं। लेकिन जब उसकी शादी करनी होती है तो आगे पीछे बिना जाने किसी अनजान आदमी को उसका दूल्हा बना के उसके साथ भेज देते हैं। और हम भी पति के नाम पर एक अनजान का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ फेरे ले लेते हैं। हमारा परिवार भाई बहन दूर कहीं छोटी सी बिंदी की तरह दिखाई देते हैं। जिस दिल में माँ बाप होते हैं उसमें सास ससुर को रखना होता है, अपने भाई बहन की जगह ननद देवर आ जाते हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स, पहचान वाले लोग सबको भूल कर, हमें पसंद हो या ना हो, नए नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। इस तरह अपने घर के सारे रिश्तों को छोड़ने वाली जिंदगी को शादी कहते हैं। पता नहीं ये क्यों जरूरी है, इसकी बजाय सारी जिंदगी अपने माँ बाप की याद में बिता सकते हैं। मुझे लगता है उसमें ज्यादा शांति मिलेगी। बुआ प्लीज छोड़ो। ए वो कौन है प्रिया? सूरज नाम है, एकदम बेकार लड़का है। क्या कहा, बेकार लड़का? हाँ बुआ, डैडी के दोस्त का बेटा है। अपने घर में बेकार रहता था तो उसके पापा ने यहाँ भेज दिया, अब आउट हाउस में रहता है और हमारा खून पीता है। हेलो। हेलो प्रिया। यस हाय प्रिया, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश आप कहाँ से? अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास जो एसटीडी बूथ है वहाँ से बात कर रहा हूँ। जरा होल्ड कीजिए, मैं डैडी को देती हूँ। हाँ, नो 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 नो, मैंने तुमसे ही पर्सनल बात करने के लिए फोन किया है। मुझसे? कहिए। तुम्हें याद है प्रिया, हमारी सगाई वाले दिन तुम्हारे घर में एक बहुत ही हैंडसम सा दिखने वाला फुर्तीला सा लड़का था? ओह, पापा के दोस्त का बेटा, उसका नाम सूरज है। हाँ, यस यस, सूरज सूरज वही। उसे ना बेकार लड़का मत समझना, ही इज ग्रेट 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 फेलो। सिर्फ इतना ही नहीं प्रिया, बार बार मना करने वालों का भी काम पूरा करने वाला सोने जैसा लड़का है वो। सच कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारी कसम प्रिया, अमेरिका में यहाँ वीरेंद्र ठाकुर नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर मेरा फ्रेंड है। अमेरिका आने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं थे तब अपनी जमीन बेच कर, कैसे, अपनी ही जमीन बेच कर उसे पैसे देकर हेल्प करने वाला ये सूरज ही है। हाउ स्वीट ऑफ हिम। तुम्हें विश्वास नहीं होगा प्रिया, सूरज की फुल साइज फोटो रखकर रोज फूल माला डालकर उसकी आरती उतारता है मेरा दोस्त। उससे नेक दिल जानकर ही तुम्हारे डैडी ने उसे अपने आउट हाउस में रहने की इजाजत दी है। जानते हो इस तरह का दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। चल जाओ, आज मैं इसके सारे नाटकों की पोल खोल देता हूँ। अगर अभी मेरे सामने वो सूरज होता ना तो तुरंत मैं उसके पैरों में गिर जाता। अच्छा सुनो प्रिया, उसके बारे में सच जाने बिना उसे कहीं गलत बिहेव मत कर देना स्वीटू। और वो जब भी तुम्हारे सामने आए तो एक छोटी सी स्माइल के साथ हेलो
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब कह देना। ठीक है ना सोना? चलो, जरूरत पड़ने पर मैं फिर फोन करूंगा, ठीक है ना? बाय। मनी, ओके मनी, हमने बहुत देर बात कर ली है, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैडम फोन का इंतजार कर रही है ना? मैडम फोन। छे, मुझसे बात मत करो, तुम एक बेकार लड़के ही नहीं बल्कि बहुत बड़े फ्रॉड भी हो। प्रिया प्रिया, वो तो बस ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। आखिर मजाक करने की भी तो कोई हद होती है ना, वो तुमने तोड़ दी। दोस्त का बेटा कहकर तुम्हें रखा है ना, उन्हें ही कहती हूँ डैडी। अरे नहीं नहीं, प्लीज प्रिया, अपने डैडी से ये सब मत कहना, आगे से ये सब कभी नहीं होगा। आगे से फिर कभी आवाज बदल कर बात की ना तो काट डालूंगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली गाड़ी आज प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएगी। तुमसे कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं? बड़े लोगों की बातें मैं ध्यान से सुनता हूँ और मानता भी हूँ, आपको जो कहना है कहिए। सिगरेट कुछ ज्यादा ही पीते हो शायद, थोड़ी कम करो, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई चेन स्मोकर थोड़ी हूँ, बस कभी कभी पी लेता हूँ, रोज नहीं, वो भी बस एक दो पफी पीता हूँ। देखिए, लगता है इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत सलत कहा है आपसे, वो कुछ भी सही नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, ये मैडम उसे बढ़ा चढ़ाकर ही कहती हैं, इनकी आदत है। मैंने कहा बढ़ा चढ़ाकर? कहा क्या भड़का रहे हो मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं भड़का है, अभी कह रहा था ना मेरे बारे में। क्या इसने देख लिया ना आपने, ना तो मेहमान की कोई इज्जत है, ना ही मर्द की कोई इज्जत है। हेलो, अगर दम है तो सीधे मुझसे बात करो, औरतों की तरह चुगली मत करो। रहने दो जी, आपको सीधे देखने पर तो मुझे डर लग रहा है, देखिए ना मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। हरकतें देखो, एक दो ही ना सारे दांत गिर जाएंगे। झगड़ा क्यों कर रही हो, बैठो यहाँ, ऐसे क्यों बात कर रही हो, तमीज से बात करो। छोड़िए, रहने दीजिए ना, कुछ लोगों की समझ में कभी नहीं आता, कितना भी समझाइए नहीं समझते, क्या कीजिएगा। किसे समझ नहीं है? हाँ बुआ, आप नहीं जानती इसके बारे में, कल पता है इसने क्या किया, हमारे घर से हमें फोन करके, अमेरिका में वो है ना उनकी तरह आवाज बनाकर, सूरज बहुत अच्छा इंसान है, अपनी पढ़ाई कर रहा था। हेलो हेलो, आवाज बदल कर मैंने बात की मानता हूँ, लेकिन मैंने क्यों बात की, उसकी जिम्मेदार कौन थी? कौन थी कौन थी? बुआ जी आप खुद ही बताइए, जब आपने मुझे पहली बार देखा था तो ये नया कौन है आपने पूछा था, उस समय उन्होंने क्या बताया था? अब ये सब छोड़ो ना। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, मेरे जैसे ब्रिलियंट आदमी को देखकर उसे बेकार लड़का कहना, और ये भी कि मनी ने परेशान होकर इसे यहाँ भेज दिया है, आउट हाउस में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा? हेलो हेलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम खुद बातें मत बनाओ, तुम शांत रुके, रुके, रुके। बेकार लड़का जो शब्द है ना, उसी में सारे मतलब छुपे हुए हैं, चाहो तो डिक्शनरी देख लो, लेकिन वो जो है ना, उस वक्त जो तुम्हारी बुरी सी शक्ल बनी हुई होती है ना, उसका डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं है। छी, बोलो मत, तुम में तो मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैनर्स शब्द का जो मतलब तुमने निकाला है ना, वो नहीं होता है, मेरे डैडी ने जो लेटर मुझे लिखा था उसे तुमने चोरी से पढ़ लिया था, उस समय तुम्हारा ये मैनर्स कहां गया था? खुद को ज्यादा शरीफ मत समझो, जब मैंने तुमसे फ्यूचर प्लान पूछा तब मैं मिनिस्टर बनूंगा कलेक्टर बनूंगा कह के झूठ नहीं बोला था क्या? मुझे सिर्फ रियल बोलना आता है, रियल फेंकने का काम सिर्फ तुम जैसे लोग ही कर सकते हैं। हां तुमने उंगली दिखा कर बात करोगी? बुआ संभल कर जाना, बुआ बाय। देखिए जैसा इसने कहा उतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं, ऐसा ही है, इसकी बातें बिल्कुल मत सुनो। चुप कर, मैं खुद आपको फोन करके अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, इसकी बातें दिल से निकाल दीजिएगा। तुम्हें कौन दिल में रखेगा, बकवास किए जा रहा है। मैं कर रहा हूँ, हेलो सुनिए टिकट दीजिए, वो जा रही ना उनके पास, मेरा टिकट, उन्होंने अपनी टिकट दे दी है, आप अपनी दीजिए। प्रिया मेरा टिकट देना जरा। कौन हो तुम? अरे ओ देखो प्रिया, अपना झगड़ा हम लोग घर में कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ पर ये सब करना बिल्कुल भी। हेलो, आप अपना झगड़ा घर पर जाकर करना, मुझे टिकट दिखाइए। सर वो और मैं उनकी बुआ को छोड़ने के लिए यहाँ साथ ही आए थे, ट्रेन तक छोड़ने पर एक छोटा सा झगड़ा हो गया, बस उसी का बदला ले रही है सर। तुम्हारा झगड़ा सुनने के लिए मुझे गवर्नमेंट पगार देती है क्या? अपना टिकट दिखाओ ना। सर आप भी बहुत अच्छा मजाक करते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ सर, आपके हाथों में तो कितनी टिकटें हैं, एक मेरी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम विदाउट टिकट हो, 500 रुपया फाइन या 6 महीने की जेल। सर अपना बेटा समझकर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। तुम्हारे जैसा विदाउट लड़का मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? सर इसे रिश्वत मत समझिएगा, गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा। नहीं रख लीजिए सर। नहीं रख लीजिए ना सर। नहीं, ओह इतनी सी बात नहीं समझते हो। बाइजरा बच के प्लेटफॉर्म टिकट लिए ना? मैं 5 साल से बिना टिकट लिए ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। अरे वाह, ट्रेन की टिकट ना लेने वाले को छोड़ देते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट ना लेने वाले को पकड़ लेते हैं। सब कर धर के यहाँ खड़ी होके हंस रही हो, एक ही टिकट पर सबको आने जाने देंगे ये सोच लिया था तुमने? पर हेड एक टिकट होती है। ये तो तुम्हारी टिकट है, मेरी क्यों नहीं ली? ये तुम्हारा ही टिकट है।
टिकट हाथ में रखकर खेल रही थी मुझसे हाँ? ओके ओके चे। अंकल चाबी। हाँ, लक्ष्मी को ठीक से ट्रेन में बैठा दी? जी। सूरज, मंडे मॉर्निंग मेरे एक दोस्त की कंपनी में इंटरव्यू है, कार्ड आया है ले लो। ओके अंकल। सूरज, गुड नाइट। इस गुड नाइट में कितने झोल झपाटे हैं पता नहीं, देख लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अभी उठ रही हो क्या? इतना लेट सोकर उठने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। ये बताओ इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। सूरज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। सूरज अंकल, इंटरव्यू देने गए थे, क्या हुआ? मेरा दुखड़ा सुनकर क्या करोगी पप्पी? क्या हुआ, केवल सवाल पूछकर भगा दिया? वो क्या है पप्पलू जी? हाँ, ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी की हर खुशी के आगे स्पीड ब्रेकर डाल दिया है। समझ में आने वाली बात बोलो। नौकरी मिल गई है, यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद अमेरिका में नौकरी करनी है। अमेरिका में ही तो काम मिला है ना, जा तो ऐसे रहा है जैसे काले पानी की सजा मिली हो। तो बताइए सर, पार्टी कब देने वाले हैं? वो क्यों, पहली बार सैलरी लेने वाले हो तो पार्टी नहीं दोगे? हाँ भाई, तोप चलाने का काम है, चाहो तो इस नौकरी और सैलरी को तुम ले लो और पार्टी मुझे दे दो। क्यों, नौकरी करने का मन नहीं करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। तब तो तुम्हारे डैडी ने जो लेटर में लिखा था सब सच है। तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो बोलो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। घर में खेती करने के लिए एक ट्रैक्टर है, उसी से कमा लूंगा। क्या तुम्हारे डैडी ने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम खेती करो? मेहनत करके पढ़ाने लिखाने का मतलब है कि मैं अमेरिका जाकर पैसे कमा कर उन्हें भेजूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये कोई बिजनेस है क्या बताओ? मान लो कमाने के बाद मैं एक कार खरीद लेता हूँ तो उसकी खुशी मैं अपने डैड के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ? कार के साथ अपनी एक फोटो खिंचवा लूंगा और उन्हें भेज दूंगा। पर यही काम मैं अपने शहर में रहकर करूं तो कम से कम एक स्कूटर खरीद कर अपने मनी को उसमें बैठा कर घुमा तो सकता हूँ, इसमें अलग खुशी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर डैड की तबीयत खराब होती है तो मैं अमेरिका से सिर्फ यही पूछ सकता हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है, आपने दवाई ली कि नहीं। पर अगर मैं यहाँ रहा तो मैं खुद उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा सकता हूँ, उनकी दवाइयाँ खरीद सकता हूँ, उनकी देखभाल कर सकता हूँ, है कि नहीं? और वही मैं चाहता हूँ। मनी ने जो लेटर में लिखा है तुम सिर्फ उतना ही जानती हो प्रिया, पर जो उन्होंने लिखा है उतना ही नहीं है। छोटा था तभी मेरी माँ चली गई, पर कभी उनके दिमाग में दोबारा शादी करने का ख्याल नहीं आया। मेरी खुशी ही उनके लिए सबसे ज्यादा अहम थी। अब तक जो सिर्फ मेरे लिए ही जिताया है, मैं भी अब उसके लिए ही जीना चाहता हूँ, वही मेरी खुशी है। अपनी लाइफ क्या है, सुबह होते ही अपने काम पे लग जाओ और शाम को दोस्तों के साथ चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पियो, फिर शांति थिएटर में या संगीता थिएटर में जाके नेताजी की फिल्म देख लो, रात को आके डैडी की डांट सुनते सुनते खाना खा लो और फिर उनकी गोद में सर रख के सो जाओ। यही जिंदगी थी। अब ये सब जो सुख थे ये दुनिया के किसी भी कोने में अकेले रह के नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी प्रिया, क्योंकि शादी हो जाने के बाद 20 साल तक तुम्हारी देखभाल करने वाले मम्मी पापा भाई बहन सभी दोस्तों को एक झटके में भूलकर पति को ही अपनी जिंदगी मानने लगोगी। तुम्हारे लिए हो सकता है ये आसान हो पर मेरे लिए मुश्किल है। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति है और मेरा सब कुछ मेरा मनी है। गुड नाइट। लड़की का नक्षत्र क्या है? प्रिया, भरणी नक्षत्र।
यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि तुम शादी के बाद हम सबको छोड़कर अपने पति के घर जाने वाली हो ना, तो तुम्हारी आगे की जिंदगी खुशहाल हो, इसलिए उस भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। मंदिर में आकर झूठ मत बोलो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? एक मिनट, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर ऐसे बरस रही हो? यह तो ऐसे रहो जैसे कि मैंने ही कुछ किया है। देखो, तुम उस लड़की पर लाइन नहीं मार रहे थे। तुम्हें पता चल गया, लेकिन इससे क्या फायदा होने वाला है? उस ट्यूबलाइट को मेरा रोमांस समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज उसे मेरी बात समझाओ ना। उसे पटाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम सुधरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरोगे। क्यों भाई, मुझे क्यों सुधरना है? तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पापा ने एक अमेरिका वाला लड़का ढूंढ लिया। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे रेंज में तो गांव के आसपास की ही कोई 10वीं 12वीं पास लड़की ही आ पाएगी। थोड़ी मॉडर्न हो, मुझसे थोड़ी गोरी और इंग्लिश में बात करने वाली लड़की मिल जाए, उसके लिए ऐसी मंदिर जैसे जगह पे आके ट्राई करता हूँ। तो इसमें गलत क्या है? अरे यहाँ क्या लाइन मार रही है? भाग वहाँ से। आज के बाद कभी दिखाई मत देना। चल भाग यहाँ से। बाय। अरे अरे, वो तो जा रही है। ये क्या है, इसमें गलत क्या है? मैं किसी को भी देखूँ तुम्हें उससे क्या? क्यों बेकार में अपनी टांग अड़ा कर उस लड़की को यहाँ से भगा दिया? हाँ, अब जाओ अपने पति के साथ राजी खुशी जिंदगी बिताने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। जाओ 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 यहाँ से। मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। मैंने अभी भगवान से ये मांगा है कि तुम मुझे मिल जाओ। मैं तुम्हें चाहती हूँ सूरज। ये क्या है? देखो, मजाक की भी कोई हद होती है। जाके भगवान के दर्शन करो। ए, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरे अलावा किसी और को देखोगे ना, मार डालूंगी। समझ गए ना? मैंने अभी भगवान से ये मांगा है कि तुम मुझे मिल जाओ। मैं तुम्हें चाहती हूँ सूरज। देखो भाई, तुम विजी के घर में रहोगे, भले ही काम चोर बनकर क्यों ना रहो, पर मुझे उससे या उसे मुझसे माफी मांगनी पड़े ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारी इज्जत पर आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है? तुमसे पूछने नहीं आया हूँ कि घर से क्यों चले आए, या तुम्हें सेंड ऑफ करने भी नहीं आया हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहना है, अपने फ्रेंड मनी से मुझे माफी मांगनी है। अंकल, क्या करूँ, तुम्हारे पापा और मेरी दोस्ती ही ऐसी है। एक आदमी जब अच्छी पोजिशन में होता है तो उसकी अच्छी बातें, बड़ी बातें लोगों को दिखती हैं, लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म पर रहता था तो मैं बहुत बड़ा काम करूंगा ऐसा मुझ पर भरोसा था मनी को। इतने सालों की दोस्ती में मैंने उससे तो अपने लिए बहुत कुछ मांगा है, लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। उसने मुझसे एक छोटी सी हेल्प मांगी कि मैं तुम्हें काम दिला दूं। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले उस आदमी के बेटे को एक नौकरी दिलाना बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने जो काम दिलाया वो पसंद नहीं आया, या फिर मेरे घर में तुमसे किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है अंकल, बस डैड से मिलने का मन किया। तो बिना किसी को बताए ऐसे जाने का क्या मतलब है? तुम्हारे पापा से मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा? अंकल, मेरी वजह से आपकी और पापा की दोस्ती के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सॉरी अंकल, मैं बिना बताए चला आया, गलती हो गई मुझसे। चलिए घर चलते हैं। हिचकिचा क्यों रहे हो? अब से तुम इस घर में कोई मेहमान नहीं हो, मेरी फैमिली में से एक हो, ठीक है? ओके अंकल। कम, कहाँ जा रहे हो? खाना खाते हैं। कम।
प्रिया, प्रिया, प्रिया देखो, प्रिया मेरी बात तो सुनो प्रिया। तू अब रो क्यों रहा है? मैं घर से चला गया था इसलिए रो रहा है, या मैं वापस घर आ गया इसलिए रो रहा है? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, इतने दिन तक साथ रहकर बिना कुछ बोले चले गए थे, उसी गम में यहाँ बैठ कर रो रहा था मैं। कुछ गलत मत समझना भाई, वो कहते हैं ना कि दिल का दर्द धुआं बनकर निकलता है, तो कुछ ज्यादा ही धुआं निकल गया इसलिए ऐसे पहाड़ की तरह दिख रहा है। ऐसा तो नहीं, तेरे चेहरे पर गम की जगह खुशी के निशान ज्यादा दिख रहे हैं। तुम आ गए हो ना इसलिए, कुछ देर पहले जब तुम नहीं थे तो उस दुख में डेड बॉडी की तरह पड़ा था, अगर दो मिनट भी लेट हो जाते तो इन दोनों बियर पीने बियर पीने से जान चली जाती है। आदत के बिना पीना जहर ही तो है, बिना आदत के पिए तो जहर बन जाती है। ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछोगे तो कैसे चलेगा भाई? ये उल्टा सीधा सवाल क्या है? आहा, ये वो है ना, दोबारा मैं खुद बोलकर अपनी ही जाल में न फंस जाऊं। ए भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा रेस्ट ले लो, मैं बाहर जाता हूँ। सुनो, मैं जब दुखी था तो बियर लेकर आया था, अब मैं खुश हूँ तो पी लूं क्या? अरे मैं तुम्हें पीने के लिए कह रहा था, तुम बेल्ट क्यों उतार रहे हो? ओए, अपनी पैंट उतार रहा हूँ, निकल। जा बे, कहो तब ही जाऊंगा। चल अब निकल कर। ऐसे कहो ना, क्या बच्चे की तरह कहते हो, अब आया ना मजा। क्या कहा है? मॉर्निंग प्रिया। ए प्रिया, प्रिया, ए प्रिया, नहीं नहीं, क्या कर रही हो प्रिया? ओके ओके, नहीं 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 प्रिया, आपके बारे में ड्यूटी जाना है ना। बाय बाय। ए बबलू, तू माँ की फोटो साफ कर रहा है कि उन्हें मार रहा है? तो बताइए मैं क्या करूं? ये ले, ये माला फोटो पर डाल दे। जरा भी अक्कल नहीं है तुझमें? ऐसे माला डालते हैं, दोनों हाथों में माला को बराबर पकड़ और प्यार से फोटो में डाल दे। ये माला पकड़िए। कोई काम करने पर ही मेहनत का पता चलता है। ये फालतू की बातें और जोर जबरदस्ती मुझे मत दिखाइए। आपको अपनी माँ को जिस तरह से भी माला पहनानी है वो आप खुद पहनाइए, ठीक है? ए, ठीक है तो जाना, तेरे बगैर इस घर का काम नहीं होगा क्या? प्रिया बेटी। क्या हुआ चाचा जी? जरा यहाँ आना तो बेटा। हाँ, क्यों बुलाया आपने? ये माला दादी के फोटो पर डाल दो। मैं कैसे पहन? क्या मैं? तुम नहीं तो और कौन डालेगा फोटो पर माला? सब लोग फालतू की बातें करते रहते हैं। ये लो, इस स्टूल पर चढ़ जाओ, डरो मत, मैं हूँ ना। ठीक है, संभल कर। डरो मत, मैं पकड़ के रखा हूँ, माला डाल दो। May I come in? Yes, come in. अरे अरे, ये क्या? किस बेवकूफ ने तुम्हें अंदर आने को कहा? आपने ही तो अंकल कहा था, लेकिन सिनेमा हॉल के दरवाजे की तरह खोल के आ जाओगे। एक तरफ प्रिया गिर गई, दूसरी तरफ मेरी माँ गिर गई। अच्छा हुआ मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कांच ही टूटा है ना बेटी? ये क्या चाचा जी? क्या हुआ बेटी, आंखें कहाँ गई? किसकी आंखें? दादी माँ की आंखें। बाप रे, किस कमीने ने मेरी माँ की आंखें चुरा ली? इस कमीने नहीं, और नहीं तो क्या, वाटर कलर से पेंट किया हुआ था उसको। हाँ, से अलादीन के चिराग की तरह घिसोगे तो आँख गायब नहीं होगी तो क्या होगी? वो बंद करो, तेरी वजह से मेरी माँ की आंखें गई। डैडी, सूरज अच्छी पेंटिंग करता है, उसे दादी की आंखें बनाने के लिए कहो ना। बेटा सूरज, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। क्या अंकल, आपकी माँ की फोटो मैंने एक ही बार देखी है, मुझे फेस इतना याद नहीं है, तो आंखें कैसे बनाऊं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन्होंने सफेद चश्मा पहना हुआ था ना, अगर उसमें काला रंग भर दिया जाएगा तो धूप का चश्मा लगेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तेरे चेहरे पर डांबर लगवा दूंगा। आइडिया देने आया। बेटा बेटा बेटा,
मैं तुम्हारे हाथ को पैर मानकर पकड़ता हूँ। मेरे भैया के घर आने से पहले किसी भी तरह इनकी आंखें बना दो, नहीं तो मेरे भैया मेरी दोनों आंखें निकाल लेंगे। क्या अंकल, आप भी बिना ड्राइंग सेंस वाली बात कर रहे हो। आंखें तस्वीर की आत्मा होती है, थोड़ी सी गड़बड़ी से शक्ल बदल जाएगी, ये मुझसे नहीं होगा अंकल। तो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माँ की तरह आंखें चाहिए ना, जरा इधर आना बेटी। क्या क्या हुआ चाचा जी? आओ ना प्रिया की आंखें बिल्कुल मेरी माँ की आंखों जैसी है, इन्हें देखकर बना दो ना। बेटे किस सोच में पड़ गए, यहाँ मेरी जान पर बनाई तुम सोच रहे हो? बेटा 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 प्रिया की आंखें देखकर बना दो ना, प्लीज प्लीज बेटा बेटा मेरी बात मान लो बेटा। हाँ हाँ ये लो। देखो देखो बेटे बिल्कुल ठीक बनाई है। बेटा मेरी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर वापस बनाकर तुमने मेरी जिंदगी बचा ली बेटा। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन मिले बेटा। मेरी माँ क्या आंखें थी वो, कमाल है। जैसे मुगले आजम में सलीम को उसके नारकली ने पहली बार देखा, कमाल है। जरा सा भी अगर स्लिप हो गया होता तो मेरी जिंदगी का बैंड बज गया होता। ओए सूरज, तेरा दिल स्टील का है, किसी भी लड़की की नजर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चांस ही नहीं है। तू तो फालतू में डर रहा था। हाँ, लेकिन सेफ साइड के लिए उस लड़की की आंखों को डायरेक्ट देखना अवॉइड करो, वेरी डेंजरस आइज। उफ़ 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 उफ़। ओए सूरज क्या हो गया तुझे, सीधे सोने पर नींद नहीं आती है, करवट लो तो भी नींद नहीं आती है। हे सूरज, तुझे वो आंखें बहुत डिस्टर्ब करती है ना? नेवर। किसने कहा? हेलो, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं। हेलो अंकल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ अच्छा चल रहा है अंकल। साथ काम करने वाले कैसे हैं? हाँ सुमन नाम की लड़की बहुत ही सुंदर है। कदे कहीं के तेरा मुंह ही तेरा दुश्मन है, कंट्रोल तो होगा नहीं। ओ, सूरज मेरी एक बोर्ड मीटिंग है, रिया को अपने साथ घर ले जाओ। पापा मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तुम्हें कोई और काम है क्या सूरज? नहीं अंकल। तो फिर इसे ले जाओ। प्रिया प्रिया प्रिया, हम लोग एक कॉफी पी के चलें क्या? सुबह से ऑफिस में बहुत टेंशन है, खुद को देखो बहुत टायर्ड लग रही हूँ शॉपिंग करके, इसलिए रिलैक्स होने के लिए एक कॉफी पीकर चलते हैं। प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। हेलो। यस सर। प्रिया सिर्फ कॉफी पीने के बजाय सिंपल सा नाश्ता कर लें क्या? दो सांभर इडली, सांभर थोड़ी गर्म होनी चाहिए। थोड़ा लेट होगा सर। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। लाने में टाइम नहीं लगेगा, गर्म होगा तो आपको खाने में टाइम लगेगा। फूफू करके ठंडा करके खा लेगा सूरज, चले जाओ। ओके सर। हाँ तो प्रिया, रेस्टोरेंट काफी अच्छा लग रहा है ना, रंग बिरंगी कुर्सियाँ, टेबल्स, स्पून्स, अरे वाह फोर्क भी है। यूजुअली ये सारी चीजें यहाँ होती ही है। करेक्ट करेक्ट। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो? हाँ मंदिर की मुलाकात के बाद मैं तुम्हारी एक एक बात नोटिस कर रहा हूँ। बात करने आओ तो मुंह पे दरवाजा मार देती हो, ड्यूटी पर जाते समय कपड़ों पर पानी डाल देती हो। मैं एक एक बात अपनी डायरी में नोट कर रहा हूँ, कभी मेरा भी दिन आएगा। एवरी डॉग हैज इट्स डे। अब मेरी बात सुनो, मैं फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। आज से हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पास्ट इज पास्ट, जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाते हैं। अब देखो ना, कुछ दिन बाद तुम शादी करके अमेरिका चली जाओगी और जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो मेरे टॉर्चर से परेशान होकर मुझे वापस नासिक भेज देंगे। उसके बाद तुम कौन और मैं कौन,
जितने दिन हमारे पास बचे हैं उन दिनों को हंसी खुशी हम बिता लेते हैं। अगर तुम्हें मेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं है तो रोज 10 बजे तक आराम से सोना। मैं 9 बजे ऑफिस चला जाऊंगा। कुछ और सर? नो थैंक्स। ओके, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्रीमेंट ओके, आगे से ही फॉलो करना। हाँ, शेक हैंड्स। शेक हैंड्स हाथों से करना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एनी हैंड नो प्रॉब्लम। ये क्या क्या प्रिया? क्या हुआ सर? सांभर की प्लेट ही गायब है। प्लेट? तो सर जैसा आपने कहा था सांभर उतना गर्म था ना? बहुत गर्म था। सुनो है? ये लो। बिल के लिए? कपड़े ले आओ। मेरे लिए? मेरे लिए। साइज? फ्री साइज। कलर? है ले क्या? ठीक है सर। कलर पूछता है? अरे यार बहुत जल रहा है। देखो ये हंसना बंद करो और अपने पैसे ले लो। हेलो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। चुप, तू है? तेरा वेडिंग कार्ड ही देख रही थी। ए, डिजाइन कैसा है? बहुत सुंदर है यार। ठीक है ठीक है, तू और पप्पी शादी में जरूर आना। ये बहाना मत बनाना कि मैं बहुत दूर हूँ। ए, डैडी से पूछना पड़ेगा मुझे। वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें शादी में आना ही होगा। ए आशा, हेलो, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? वो शादी में आने के लिए फोर्स कर रही है, अब मैं पापा से कैसे परमिशन लूँ? आशा की शादी में जाना है, बस इतनी सी बात। मैं परमिशन लेके देती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। फॉलो मी। ताऊ जी, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जल्दी बोलो। प्रिया की सहेली आशा की शादी लोनावाला में हो रही है। अच्छी बात है, हम दोनों को वहाँ जाना है। ताऊ जी, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, एक टेलीग्राम दे दो और घर पर रहो। अगर सबकी शादी में ऐसे टेलीग्राम भेजते रहे तो मेरी शादी में भी टेलीग्राम ही आएगा। स्टेज पर मैं और मेरे पति होंगे। प्लीज ताऊ जी, हमें जाने दीजिए ना। क्या? तुम लोग नहीं गए तो शादी नहीं होगी क्या? हाँ, वो ऐसा ही बोल रही थी। ठीक है, तब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ट्रेन से चले जाओ, मैं टिकट मंगवा लेता हूं। नहीं नहीं, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, कार से जाएंगे। कल मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। आपके आने की जरूरत नहीं है, हमें कार दे दीजिए बस। देख लिया, हमारे घर में आखिरी शादी प्रिया की हो रही है। इसकी बातों से लगता है ये किसी के साथ भाग जाएगी। देख लेना। ताऊ जी, मैं कार की बात कर रही हूँ, आप शादी की बात कर रहे हैं। तो बेटी, तुम्हारे साथ वहाँ किसे भेजूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। क्यों जी, अपना वो पपलू है ना? नहीं, उसे इतनी दूर नहीं भेज सकता। हाँ, तुम लोग एक काम करो, सूरज को ले जाओ, वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा। थैंक्स ताऊ जी। हेलो, तुम दोनों वैसे हाथ हिलाते जाओगे तो तुम्हारा लगेज कौन लेके जाएगा? कार चलाने के लिए एक और सामान उठाने के लिए कोई दूसरा आदमी वहाँ से नहीं लाए। लौटने तक तुम्हें ही सब करना है, अब सामान लेकर आओ। बाप रे, बड़ी वाली से तो छोटी वाली की जुबान ज्यादा लंबी है। देख लूंगा। मैं ये सोच रहा था कि इस हिल स्टेशन में ये लोग ठहरने के लिए जगह देंगे या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह। हेलो, ये लेडीज रूम है। ये बात है तो हम दोनों बाहर चलते हैं। मजाक अच्छा था, अब बाहर निकलो। मैं क्यों बाहर निकलूं? मैं कह रही हूँ ना कि बाहर निकलो।
Hey, तुमने मेरा बैग फेंकने की हिम्मत की? मैं अलग टाइप का लड़का हूँ, अगर मैं गुस्से में आकर तुम लोगों को छोड़कर चला गया ना, तो तुम दोनों को कार को डब्बे की तरह ढकेल कर ले जाना पड़ेगा। सॉरी चाचा, लेकिन तुम बैग लेके यहाँ क्यों खड़े हो? रुकने की जगह ढूंढ रहा हूँ भाई। तुम लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से? लड़की की तरफ से हूँ यार। लड़की की तरफ से? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे चाचू। थैंक्स भतीजे। हम लड़के वाले जहाँ ठहरे हैं वहाँ कुछ चल रहा है, तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं, पहले तो मुझे नहाना है, तुम पहले उसका जुगाड़ करो। वहाँ चलकर पीना और नहाना, पीना फिर नहाना, चलना चलना। चाचा आओ ना। भाई नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई, सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अरे नया चेहरा कौन है भाई? ये लड़की वालों की तरफ से, इसलिए अपने साथ ले आया। बैठो बैठो। नमस्ते, बैठो बैठो। सिगरेट पियोगे? थैंक्स। तुम लड़की के दोस्त हो? दोस्त मतलब बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं हो, बस उसे जानता हूँ। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ आएगा? यानी लड़की को तुम कैसे जानते हो? सुंदर दिखती है इसलिए। वो तो देखने से ही पता चलता है। नेक्स्ट। और क्या? बहुत मीठा बोलती है। पता चल जाएगा, और कुछ बताओ। अब इतनी अंदर की बात तो मैं मतलब डीपली नहीं जानता हूँ मैं उसे। भाई चाचू काम की बात नहीं बता रहे, लगता है दारू पिलानी ही पड़ेगी। ओए दारू तैयार कर बे। मेरी पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, पीता हूँ लेकिन अभी नहीं। साथ वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमारी खुशी में शामिल नहीं होगे तो ऐसा लगेगा लड़के वालों से नाराज हो। पीने के बाद नीम की पत्तियाँ चबा लेना। नीम की पत्ती? ये तो अपना ही तरीका लगता है। ले भाई पी ले। भाई अरे पी ले। मजा आया? वंस अगेन प्लीज। एक और बोतल देने के लिए बोलो ना। अच्छा आप बताओ। क्या बताऊं यार, आशा के बारे में? आशा के बारे में मैं क्या बताऊंगा? जो भी तुझे पता हो और हमें नहीं पता हो, ऐसा कुछ बता। आशा। मेरी और आशा के बीच एक छोटा सा कनेक्शन था। सच में? अरे हाँ यार लल्लू, अगर दो बोतल खत्म करने के बाद भी झूठ बोलो तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी बताओ। आशा की एक बार बर्थडे पार्टी थी, वहाँ एक पियानो है ना? पियानो नहीं, उस समय था वही बजाकर तो मैंने फटाया था। अरे हाँ, ये सब बातें जाकर कोई दूल्हे से मत कह देना, कहीं वो रोने ना लग जाए। ये क्या बात हुई यार, किसी और की होने वाली वाइफ की बात पर ये टेंशन में क्यों आ रहा है? चाचू यही तो उसका दूल्हा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। जीजा जी, जीजा जी, मैं तो नशे में कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर गया। वो आशा है ना आशा, वो मेरी बहन की तरह है जीजा जी। सच बोल रहा हूँ जीजा जी, मुझे ऐसे मत देखिए जीजा जी, मैंने आशा से कभी प्यार नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्यार क्यों नहीं किया? जीजा जी नशे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ वो लड़की तेरे लिए लाइन मारने के भी लायक नहीं है। नो नो नो, कम ऑन कम ऑन, टेल मी, प्यार क्यों नहीं किया तुमने? जीजा जी आशा को मेरे प्यार ना करने का कोई और मजबूत रीजन है। क्या 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 है? मेरा किसी और लड़की के साथ लव अफेयर था। मैं तेरा खून कर दूंगा, हमें प्यार करने के लिए एक लड़की नहीं मिलती और तू इतनी लड़कियों से प्यार करता है। दारू चढ़ गई इसे, सुला दो इसको। लो तुम पियो। अब रहने दो भाई, चढ़ गई है। अपने प्यार के बारे में बताओ। ये मैं हूँ और ये वो लड़की है। मंडल लड़की। ओके ओके। हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी, ये मुझे देखकर छी कहती थी तो मैं इसे देखकर छी छी कहता था, और ये लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, बात करना शुरू कर दिया। उसने गुड नाइट बोला जीजा जी, और अचानक एक दिन आकर कहने लगी कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तूने अपना ग्लास क्यों नहीं पलटा? ऐसे रखने का क्या मतलब? मेरी ऐसी ही हालत है यार, ओके कहकर सीधा खड़ा नहीं रह सकता, ना कहकर पीछे हट भी नहीं सकता। दिल में कहीं छोटी सी डिस्टरबेंस हो रही है यार, एक छोटी सी हलचल। उसकी आंखें है ना, बिल्कुल अपनी दादी की तरह गहरी हैं उसकी आंखें। ऐसा लगता है किसी गहरी झील में घुसे जा रहे हैं। कंट्रोल नहीं होता भाई, कंट्रोल नहीं होता। तो कंट्रोल क्यों कर रहा है? हाँ कह दे। नहीं मेरे भाई, ये गलत है। क्या गलत है? है?
उस लड़की की किसी और के साथ सगाई हो चुकी है। ओ भाई, मैं तो एक शादीशुदा औरत के ऊपर लाइन मार रहा हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? चुप करो भाई। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या, बस वॉर चल रहा है। ऑफिस जाते वक्त ऊपर पानी डालकर खेलती रहती है। तुम क्या करते हो? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगले दिन उसे होटल ले जाकर इडली सांभर दिलाकर मैंने उसे वार्न किया कि देखो ये सब गलत हो रहा है। डर गई होगी ना? मेरे ऊपर सांभर गिराकर चली गई। तो तुमने क्या किया? साबुन लगाकर धोकर सुखा दिया। आखिर तुमने करी थी पर्दों वाली बात। मैंने पूछा पानी क्यों डाला तो उसने पूरा सांभर ही मेरे ऊपर उड़ेल दिया। दोबारा पूछने पर कहीं एसिड ही ना डाल दे और पैंट के साथ साथ मैं भी जल जाऊं, इसलिए अकल लगाया और बाहर आ गया। अरे अगर वो लड़की तुझे इतना चाहती है तो तू पीछे क्यों हट रहा है? लड़की इतनी बुरी दिखती है क्या? बुरी? पहले इससे तू अपना मुंह धो ले। वो ब्रह्मा की स्पेशल प्रोडक्ट है यार। उस लड़की को देखने के लिए दो आंखें काफी नहीं है यार, दो आंखें काफी नहीं है। तो कितनी चाहिए? गजरा लगा के गजरा सजा सॉरी, ये मेरा रूम नहीं है। ये तुम्हारा ही रूम है। यस, दिस इज माय रूम। मर्द के रूम में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों? कोई सामान मिस हो गया क्या? नहीं, इमेज मिस हो गई है। क्या? कोई इडियट उसे चुरा ले गया होगा। छी, पियकड़ नशेबाज, यकीन नहीं हो रहा कि पीकर हंगामा कर रहे हो। बड़ा घमंड था कि हमारा सूरज ऐसा नहीं है। छी, बेइज्जती करवा दी। अरे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ पप्पी, बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अब उन्होंने ब्रांडी है, विस्की है के पिला, इतना ही नहीं दोनों मिक्स करके पिला दी और वो दंड से चढ़ गई। रहने दे, इस शराबी से हमें क्या करना, चल चलते हैं। पप्पी सॉरी। पप्पी ये सॉरी मुझसे मत कहो, ताऊजी को फोन लगाती हूँ, उनसे कहो। ऐसा मत करो पप्पी, प्लीज मत करो पप्पी, मत करो। उस लकड़बग्घे से मेरी ए, क्या कहा? डैडी के बारे में तमीज से बोलने को बोलो पप्पी। सॉरी सॉरी, अपने ताऊजी से कुछ मत कहना पप्पी, बात बहुत बढ़ जाएगी। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। मुझे बस एक मौका और दे दो। क्यों, दोबारा पीने के लिए? अरे नहीं रे पप्पी, मैं अच्छा हूँ, इस बात को प्रूफ करने का एक मौका तो दे दो। चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ कर माफी मांगता हूँ। प्लीज पप्पी, मुझे माफ कर दो पप्पी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर पकड़ कर माफी मांग रहा हूँ पप्पी। तुमने मेरे पैर नहीं पकड़े हैं, ध्यान से देखो। पियक्कड़ नशेबाज, तू किससे बात कर रही है, चल यहाँ से। अबे कमीनो, पैर और स्टूल में फर्क पता नहीं चल रहा, इतनी पिला दी है। सॉरी, गलती से टकरा गया। तुम्हारे जैसे लड़के को मुझसे टकराए हुए कितने साल हो गए। गौर से क्या देख रहे हो भाई? धक्का मारने वाले को देख रहा हूँ। इसने किसको धक्का दिया? वो जो जा रहा है ना, तो मेरी बीवी को धक्का दिया। सिर्फ धक्का ही नहीं, सिग्नल भी देकर जा रहा है। शादी के खत्म होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ? सॉरी सॉरी। क्यों भाई, दूल्हे के साथ मुझे बैठना ही पड़ेगा क्या? तू शादी में आई आशा जानती है क्या? हाँ, जानती है। ओ, तब तो मेरी छोटी सी मदद करेगा। हाँ बोल ना। आशा के गले में जब तक मैं मंगलसूत्र नहीं पहना दूं, तब तक तू किसी को ना दिखे ऐसे छुप सकता है क्या? ओ, आशा मुझे देखकर कंफ्यूज हो जाएगी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसे अवॉइड कैसे करूं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई, मेरी जिंदगी का चिराग जलने दे, उसके आने का टाइम हो गया है। विल यू प्लीज? ठीक है, ओके ओके, ऑल द बेस्ट। दामाद जी नमस्ते। हां मुझे ओके ओके। हां हां नमस्ते। दूल्हा बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे मैच का है, इसलिए उन्हें सिलेक्ट किया है। आप कैसे हैं? ऐसे ही चल रहा है बस, ठीक ठाक। अपनी वाइफ को साथ लेकर नहीं आए? वाइफ? ए प्रिया, सूरज के शादी नहीं हुई ये बात अब आशा को बता दे क्या? चुप कर, हंसने देना उसे। ओ वो वाइफ, हाँ आई होगी, आई होगी, यही तो कहीं थी। हाँ वो देखो। अच्छा वो है। बुआ। क्या बेटी? यहाँ आइए ना बुआ। तुम कौन हो जो बार बार मेरे पीछे आ रहे हो? ये मेरी फूफा जी हैं। क्यों बुलाया बेटी? बुआ, इनसे कब शादी की? क्या कह रही हो बेटी? आशा आशा, मैंने इनकी तरफ हाथ नहीं दिखाया था। सॉरी हाँ, गलत मत समझिएगा। हाँ वो मेरी बीवी यही तो थी, पता नहीं कहाँ। दो थप्पड़ लगाऊंगा ना। रुक बे, तू कहाँ जा रहा है? अगर ये तेरी बीवी है, मेरी बीवी कौन है? यही है ना। एक के दो दो पति कैसे हो सकते हैं? ए आशा, क्या हुआ?
वहाँ सूरज को देखो ना। ओए सर को क्यों डांट रहे हो? क्या मैं तेरा पति हूँ? तेरा पति मुझे ओए कह रही है और ये सर है मजे ले रहे हैं। भाई इन्हें डांट क्यों रहे हो यार? बात क्या है, इसे डांटू तो तुम्हें, तुम्हें डांटू तो इसे गुस्सा आता है। आप चाहते क्या है? क्या मैं क्या चाहता हूँ? मुझे देख, मुझे ए, तू पीछे घूम जा, मुझे देख। हाँ क्या है बताना, मुझे बता। टाटा। ए, टाटा। और मैं मार डालूंगा। ये सब क्या है, पैकिंग क्यों कर रही हो? अभी तो रिसेप्शन है, हनीमून है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? ए, चुप, शादी हो गई तेरी, अब तो ऐसी बातें करना बंद कर। ठीक है दादी अम्मा, पर रिसेप्शन तक तो रुक सकती हो ना? नहीं ये नहीं हो सकता, ऑफिस में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। काम तो बहुत है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इतनी दूर आए हैं तो अब रिसेप्शन भी अटेंड करके ही जाएंगे। इसकी परमिशन किसे चाहिए? डैडी से परमिशन लेनी होगी। अंकल से ना, मैं परमिशन ले लूंगी। तो शाम तक इसी रूम में सड़ना पड़ेगा। तो फिर चिड़ियाघर चलते ना पप्पी, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। ए, सूरज मुझसे ऐसा मजाक मत करो, नहीं तो ताऊजी से कह दूंगी। पप्पी ब्लैक थंडर चली जाओ, टाइम पास भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। वाओ ब्लैक थंडर प्रिया, मजा आएगा। जल्दी से जल्दी इस गाड़ी को तोड़कर कबाड़ी को बेच देना है। स्टॉप, स्टॉप इट, स्टॉप। ओके। यस किस मी सर। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बोलो ना। मुझे इतनी इंग्लिश आती है, मुझे वहाँ काली बिजली के पास जाना है। कहाँ? वही जिसे ब्लैक थंडर इंग्लिश में कहते हैं। मेरी कार पंचर हो गई है, थोड़ी मेरी हेल्प कर दीजिए। इसमें क्या है, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। आइए हम भी वहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, इनमें तो इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है, हर आने जाने वाले की हेल्प करते हैं। पप्पी इनसे कहो गाड़ी बढ़ाए। जिस तरह आपको यहाँ तक लाने के लिए ड्राइवर बन के आपकी हेल्प की, इसकी भी कर रहा हूँ। चलिए राइट राइट। सूरज टिकट ले लिया ना? हाँ ले लिया। हेलो सर, रुकिए सर, एक मिनट सर, आप भी आइए ना। क्यों भाई? वो क्या है सर, आपने लिफ्ट देकर मेरी हेल्प की, इसीलिए मैं आपका ग्रुप फोटो निकाल कर आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक साथ खड़े हो जाइए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी नजर भले ही चोर जैसी है लेकिन मेरा फोकस एकदम पक्का है। ऐसी बात है, ठीक है ठीक है, चलो खींच लो। थोड़ा और पास आइए ना, कैमरा छोटा है। पप्पी पास आने को बोल। आना। स्माइल प्लीज। ऐसे अच्छा तो पहले ही था। रेडी स्माइल, वन टू थ्री। सर क्या हुआ सर? डिक्की में ठोंक दी। अब ठीक है ना सर? डॉक्टर के पास टिंकरिंग कराने के बाद ही पता चलेगा कितना डैमेज है। तुम जरा नीचे झुककर छतरी उठा दोगे? हाँ। कुछ नहीं सर, वो लड़का था ना, उसने गलती से बटन पर हाथ रख दिया। सॉरी सर, मैंने भी गलती से दबा दिया। गलती आपकी नहीं सर, सुबह से ही मेरा दिन खराब चल रहा है। कुछ हुआ तो नहीं ना सर? कैसे बताऊं सर, पैंट खोलकर चोट देखूंगा तो पब्लिक को पता चल जाएगा। थोड़ा सा मुझे सहारा दीजिए। हाँ, आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके ओके, जाइंट व्हील, चलना चलते हैं। रुको अंकल, आप जाइंट व्हील पे आएंगे? ये जाइंट व्हील थोड़ा छोटा है, इसकी बजाय हम रोलर कोस्टर पर चलते हैं। हेलो, इस सिचुएशन में ये सब जरूरी है क्या? मैं जानता हूँ भाई, रोलर कोस्टर में कुशन सीट है, बैठ कर सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझसे चला नहीं जा रहा है इसीलिए बैठने की बात कर रहा हूँ। बेटा पप्पी चलो चले। ओके पप्पी। पप्पी साथ में अपनी दीदी को भी तो लेती जाओ। अरे भाई एक टिकट दो, ये ले स्टार्ट कर। थोड़ी देर रुकिए सर। क्यों, इसे घुमाने के लिए? क्या सर, एक आदमी से घूम जाए ऐसा कोई साइकिल का पहिया नहीं है, जाइंट व्हील है। टिकट देने से पहले ही सारी कंडीशन बता देनी चाहिए थी। अब स्टार्ट करो, टाइम हो गया। नहीं सर, बटन दबाने की जगह पे भाषण दे रहा है, चल स्टार्ट कर। हे भगवान। अब रोक दे। क्यों सर? मैंने सोच कर देखा तो तेरी बात सही लगी, लोगों को आने दे उसके बाद चालू करना। क्या सर, परेशान कर दिया। अचल कॉफी पीने चलते हैं। नहीं सर, ड्यूटी पर हूं। अरे चल ना। नहीं पी सकता सर। चल, नहीं चल, सर चल। नहीं नहीं। हेलो ऑपरेटर, जाइंट व्हील ऑपरेटर, मुझे नीचे उतारो। सूरज देखो मेरा सर चकरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज प्लीज नीचे उतारने के लिए बोलो ना उसे। बेचारी बहुत डर रही है, नीचे उतार ना उसे। पर वो कॉफी सर। अरे कॉफी बाद में पी लेंगे, चल। अरे बाप रे, 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 बाप र
निकल गई थी। ऐसा करोगे ना मार डालूंगा, समझे ना? अभी से नहीं करूंगा, बोलो बोलो। मैं तो डरी गई थी, पता है तुम्हें? पागल पागल पागल। हेलो, तुमने मुझसे बात कर ली? क्या कहा तुमने? मुझसे बात कर ली? तुमने की? मैंने नहीं की। तुमने की? मैंने नहीं की ना। ओ भाई, तूने देखा ना इसने बात की? हां बात की भैया, मैंने नहीं की ना। हां हां, देखो तुमने बात की? मैंने नहीं की। तुमने बात की? मैंने नहीं की। तुमने बात की? नहीं की। कहा ना मैंने? तुमने बात की? नहीं नहीं, तुमने बात की? अयो क्या हुआ, थक कर बैठ गई? नहीं हो सकता ना। आखिर क्यों तुम मुझे पकड़ना चाहती हो? कितना भी पीछा कर लो, तुम्हारे हाथ पड़ने वाला नहीं मैं। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। हे, क्या हुआ, इतना मायूस मत हो। अब देखो, फिर से नाराज होकर ऐसी शक्ल मत बना लो। मुझे सॉरी बोलना है, बस इतना ही ना। सॉरी 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 सॉरी, हो गया ना? बस ना, ठीक है। तू कान पकड़ कर बैठक लगा लेता हूँ। 1 2 3, इससे भी नहीं चलेगा? चलो तो फिर ठीक है, डांट लो मुझे, जी भर के डांट लो। ठीक है ठीक है, ये लो डंडा, ये लो मारो, जितना मन करे मारो, मैं रेडी हूँ। अंकल, इस पर बैठने से डर तो नहीं लगता ना? डर? और मुझे ये पूछकर इंसल्ट कर दी मेरी। बहुत आसान गेम है, एक लेफ्ट एक राइट, फिर राउंड मार के वापस यहीं। तुम कभी माथेरान की सिंगल गेट ट्रेन में बैठी हो? ऐसा ही है, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे पकड़ लेना। वो देखो, चलने से पहले ही मरने के लिए तैयार है। वापस आकर देखना पड़ेगा जिंदा है मर गया। दे ताली, पकड़ लो ना। टाटा बाय। तुम इससे डर रही थी? ऐसा लग रहा है ना कि हम फ्लाइट में उड़ रहे हैं। अरे बहुत बोल रहे थे ना। अरे अरे बाप रे, अच्छा चिल्ला रहे हो। अरे करो कैसे, मैं मर रहा हूँ। तुम मेरी सांस तक गई है, रोको रोको रोको। अरे मुझे बचाओ, अरे मैं मर जाऊंगा। अरे बचाओ, रोको रोको इसे, रोको, अरे रोको इसे, रोको। अंकल बहुत मजा आया। अरे बाप रे, क्यों बेटा डर गए थे, कितना चिल्ला रहे थे? स्टार्टिंग में मरा पड़ा था, एंडिंग में मजाक उड़ा रहा है। सूरज, वो फूल सुंदर लग रहा है ना? वो पीला वाला फूल ना? हाँ सुंदर है। सुंदर है कहने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा? जाकर लेकर आओ। क्या, उसे लेकर आऊं? तुम सिर्फ उस फूल को देख रही हो, उसकी ऊंचाई को देख रही हो, जैसे चांद को छू रहा हो। पर किसको चाहिए? दीदी को। जो कभी नहीं मिल सके तुम्हारी दीदी को वही चाहिए होता है। एक फूल तोड़ के ला नहीं सकते, और नाम है सूरज। देख तेरी दीदी पहले ही गुस्से में है, तो उस पे नमक मत छिड़क। बस बातें बनानी आती है। अरे रुको, कहाँ जा रही है? आइसक्रीम लाने। किसी किसी फैमिली में किसी एक की जुबान बहुत लंबी होती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली में सारे लोगों की जुबान कान तक लंबी है। और ये हुआ कैसे? तुम्हारा दिन पे दिन मजाक करना कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। ठीक है, होता है मानता हूँ, लेकिन तुमसे लंबी किसी की नहीं। उंगली मत दिखाओ मुझे। खेलना है, हाथ छूना है, चलो खेलते हैं। मतलब? हाँ, मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें मेरे हाथ पर मरना होगा। तुम्हारा हाथ अगर मेरे हाथ को छू गया तो तुम जीत गई। 3 चांस दूंगा तुम्हें, नहीं छुआ तो मैं जीत जाऊंगा। ओके ओके। हाँ, लेडीज फर्स्ट। चुलिया चुलिया चुलिया, कहाँ छुआ, कहाँ छुआ? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें छुआ बस। अरे झूठ क्यों बोल रही है? तुम्हारी छोटी उंगली छुई थी मैंने। झूठी कहीं की, देख लेना तुझे पहले लड़की पैदा होगी। तुम्हारे जैसा लड़का पैदा होने से तो अच्छा है कि लड़की पैदा हो। अगर तुम कहना क्या चाहती हो? चुलिया था ना बस। खैर छोड़ो, खेल में बेईमानी कर रही हो। ठीक है, एक बार और, अब मेरी बारी। ओके। बीच में आकर मैंने डिस्टर्ब किया क्या? नहीं नहीं, भगवान की तरह आकर बचा लिया मुझे। बीच में काली बिल्ली की तरह घुसा और पूछ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैंने सुन लिया आपने मुझे बिल्ली कहा ना, मैं निकल रहा हूँ, आप दोनों अपना खेल चालू रखो।
अंकल थोड़ी देर में आप कितने घुल मिल गए ना? ये मेरी स्पेशलिटी है। अगले 17 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप जरूर आना। जरूर आऊंगा। ये लीजिए। क्यों बेटी, कम पैसों में शादी होती है तो कार्ड की साइज भी छोटी हो जाती है। अरे अंकल ये विजिटिंग कार्ड है। छे, आज सुबह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे देख कर चलो बेटी, चलते समय आगे पीछे देख कर चलना चाहिए। कब कौन कहाँ हमारे लिए गड्ढा खोद कर रखा है पता नहीं चलता। अगर हम गड्ढे में गिर गए तो ऊपर से ढक्कन बंद करके छोड़। अंकल कहाँ चले गए, सुपरमैन की तरह गायब हो गए? गुड नाइट सूरज। गुड नाइट प्रिया। सूरज गुड नाइट। फूल क्यों दिया था? बिरयानी लोगे? बस। हेलो ये मेरा ग्लास है। ओ ये तुम्हारा ग्लास है, तभी पानी इतना मीठा है। थैंक्स। मैं तुमसे दोबारा बोल रही हूँ, मेरे अलावा किसी और के पीछे भागोगे ना तो मार डालूंगी। फूल क्यों दिया था तुमने? टॉवल रख के जाओ। नहीं जाऊंगी। सवाल का जवाब दिए बगैर जाने का क्या मतलब? फूल क्यों दिया था? दिमाग खराब हो गया था इसलिए दे दिया था। खुश अब जाने दो। क्यों छुपाना चाहते हो मुझसे? तुम्हारे दिल में जो भी है खुलकर बताओ। मेरी बात सुनो प्रिया, तुमने मुझसे वो फूल मांगा इसलिए मैंने उसे तोड़कर दे दिया, बस इतना ही। अब तुम उसका कोई गलत मतलब मत निकालो। आगे से तुम अब जो कुछ भी मांगोगी वो मैं तुम्हें लाकर नहीं दूंगा, ठीक है ना? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज हाथ छोड़ो। हाथों में हाथ दे रही हूँ और तुम पैर पकड़ने की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है जानते हो? मुझे कोई मतलब नहीं जानना, हाथ छोड़ोगे मेरा? इसी तरह से हम दोनों अगर अग्नि के फेरे लगाएंगे तो समझो हमारी शादी हो गई, तुम जानते हो ना ये? बेकार की कितनी बातें सोचती रहती हो तुम, अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग मत खराब करो। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी, मेरे अलावा तुम किसी और को अगर चाहोगे ना तो मार डालूंगी। सूरज प्लीज टेक ओवर। फ्रेंड्स आशा श्री, इन दोनों को आपकी तरफ से मेरी तरफ से बधाई देने के इस मौके पर एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों की समझ में ना भी आए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन किसी एक को भी अच्छे से समझ में आ जाए तो काफी होगा। मैरिज हर किसी की जिंदगी में होने वाला एक अद्भुत चमत्कार है। मैरिज इस शब्द में ना कुछ तो जादू है, एक मैजिक है, एक लक है। इसीलिए तो हर इंसान उस जिंदगी की इच्छा करता है। वो इंटरेस्टिंग लाइफ हम सबको मिले उससे पहले हम कई लोगों से मिलते हैं, उन्हें पहचानते हैं। अगर उसमें से कोई हमारे दिल को अच्छा लगता है तो ये हमारा लाइफ पार्टनर बन जाए तो अच्छा होगा, ये ख्वाहिश रखते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाती है, कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करें वो लोग कभी एक नहीं हो पाते हैं। आगे की हमारी जिंदगी हम जिसे चाहते हैं उसके साथ, या जो हमें चाहता है उसके साथ, या किसी अनजान आदमी या औरत के साथ गुजरेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी कुछ लोग अपनी जिद में आकर अपनी चाहत को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोचने लगते हैं। अब देखिए दिलीप कुमार का बेटा बनने का
या फिर रजनीकांत का नाती बनने का सपना हम देख सकते हैं, लेकिन उस सपने को सच करना हमारे हाथ में नहीं है ना। कुछ लोगों को जिंदगी में कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत आ पड़ती है, और कुछ के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ही जिंदगी बन जाती है। जब ऐसी बात हो तो शादी के मामले में मैं किसी भी तरह से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सोचकर जिंदगी को एडजस्ट करना उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके घर वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। अब जैसे कि हमारे आशा श्री दोनों की जिंदगी में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुशी से शादी की है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग इसी चीज को फॉलो करें। और हाँ श्री, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी के चक्कर में झगड़ा करना मत छोड़ देना, वरना लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। जब तब छोटे मोटे झगड़े होते रहने चाहिए, सुबह झगड़ा शुरू होना चाहिए और रात को खत्म हो जाना चाहिए। ओके, ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के साथ तुम दोनों की जिंदगी खुशी पूर्वक बीते, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू। ए, ए, क्या बात है। थैंक्स बड़ी। आत्म चोली का खेल खेल रहे हो? मेरी चाहत नहीं समझे, ये अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। कुछ पल के लिए करीब आकर दिल को खुश कर देते हो और कुछ पल के लिए मुझसे बहुत दूर जाकर मुझे दर्द देते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? अपने डैडी की नजर में नाकाम हो सकते हो, मेरे पापा की नजर में गैर जिम्मेदार हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर को तुम अच्छे क्यों लगने लगे? बोलो, मुझे क्यों ऐसे पागल बनाने में लगे हुए हो? क्यों मेरी जिंदगी में आकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो? बोलो बोलो सूरज, बोलो बोलो। कौन आया है? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जो सगाई में नहीं आ पाई वो शादी के एक दिन पहले आ गई, यही सोच रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मी, तुम्हारी शादी में प्रिया एक बच्ची थी और आज उसी की शादी हो रही है, बस हम लोग यही सोच रहे थे। आजकल की लड़कियों को हर चीज में जल्दबाजी होती है, 12-13 साल में बड़ी हो जाती है, 18 साल में शादी और 20 साल में माँ बनके 40 में बुड्ढी भी हो जाती है। मतलब 40 साल में बुड्ढी लगने लगती है, उसके बाद जिंदगी में कुछ रह ही नहीं जाता। अरे हाँ, प्रिया कहाँ है? सुनिए जी। आ दो। ये क्या है? इसे मुझे दीजिए। मेरा दोस्त इतने दिनों के बाद आ रहा है, उसके वेलकम के लिए एक छोटी सी पार्टी है। जस्ट टू पैक्स। विजय। हे मनी, आजा आजा भाई। ये क्या, ये तो निकल चुप करने यार। कैसे हो भैया, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हैं? ठीक है, आइए ना। हाँ एक मिनट,
तुम सीधे मेरे पास ही आ रहे हो या आउट हाउस जाकर अपने बेटे से मिलकर आए हो? आउट हाउस से बेटे से मिलकर आता तो हाथ में सूटकेस होता। देखा ना, मैंने कहा था लेकिन तुम नहीं मानी थी। इसे बेटे से ज्यादा मुझसे प्यार है। ये सूटकेस दे जा। अच्छा, कितने दिन हो गए तेरे साथ दो पैक मारे? तेरे आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी है। पार्टी वार्टी रहने दो, पहले बताओ बेटे ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? वो तुम्हारा बेटा, अब वो पूरी तरह से मेरे अंडर में है। कल होने वाली शादी में सारी जिम्मेदारी उसी की है। ऐसी बात है? हाँ भाई। पर उसके अंदर इतनी जिम्मेदारी आखिर आ कहाँ से गई? वो कहीं से आई नहीं है, वो उसके अंदर पहले से ही थी। तू ही कभी उसे ठीक से देख नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी क्यों? दो ठंडा सोडा। तू चुप कर रे भाभी, इसे छोड़िए, आप जाइए, दो कप स्ट्रॉन्ग कॉफी। ठीक है भैया। क्यों बे, अपनी भाभी के सामने जेंटलमैन बन रहा है? बनना बनना कुछ नहीं है भाई। अरे कल सुबह शादी है, अभी अगर हम दोनों टेबल पर पीने बैठ गए और अचानक लड़के वालों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेगा? ताऊ जी, ऑफिस से आपको कोई मिलने आया है। अरे यार ये भी ना, बस पाँच मिनट रुको, मैं आता हूँ। ये क्या कर रहे हो पप्लू बाबू? बांस काटने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। तो फिर इसे लकड़ी से क्यों खोद रहे हो? किचन से चम्मच लेकर आ जाओ और उसे खोदते रहो। चम्मच से खोदूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जाके एक सब्बल लेकर आओ और जल्दी से काम खत्म करो। हैं? ये कहना चाह रहा था। बुआ जी कैसी हैं आप? सॉरी, हाँ वो शादी के कामों में थोड़ा बिजी था इसलिए आपको देख नहीं पाया। क्या हुआ, फूल चाहिए तो मुझसे कहा होता, मैं लाकर दे देता। आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ, आप बिना कुछ बोले ही जा रही हैं? क्या बात मैं करूँ तुमसे? तुम दोनों के बीच इतना सब कुछ हो गया, बिहेव ऐसे करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी तरह वो सब कुछ दिल में नहीं छुपा सकती, इसलिए वो पागल बैठ के रो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो, सारी गलती प्रिया की है। तुम्हें प्यार करना ही उसकी पहली गलती है, और फिर किसी और से शादी पक्की होने के बाद तुमसे प्यार किया है, ये तो उससे भी बड़ी गलती है। और उससे भी ज्यादा, प्यार करने के बाद उसने ये बात आके तुमसे कह दी, ये उसका पागलपन ही तो है। लेकिन ये सब गलतियाँ वो समझ सके, ना तो उसकी उम्र है और ना ही ये समय ठीक है। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो ना, इसीलिए तो उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए, इसीलिए तुम खुद उसकी शादी की तैयारियां करवा रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्यार करने वाली की शादी में पंडाल लगाने से लेकर खाना बनवाने तक अगर तुम सारा काम संभालोगे तो हर कोई तुम्हें बहुत बड़ा त्यागी समझेगा। और एक बात जान लो, इंसान के पैदा होने के बाद ही समाज बना है, समाज बनने के बाद इंसान पैदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जी पाई तो हो सकता है कि प्रिया सुसाइड भी कर ले, वो सब तो बाद में होगा, लेकिन अभी तो तुम्हारी याद में वो हर एक पल थोड़ा थोड़ा मरती जा रही है, उसका क्या करोगे? तुम्हारा उसे इस तरह दूर जाना, इस तरह की इज्जत करना मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन उस पागल लड़की को ऐसे बेमौत मत मारो प्लीज। पापा, आप कब आए पापा? बेटा सूरज इधर आओ ना। अभी आ। अब देखिए, शादी हो जाने तक मुझे फोन करके परेशान मत कीजिए, सारे काम आप खुद देख लीजिए ना। हाँ आओ, कहाँ गए थे भाई? नीचे सूरज था वहाँ। कैसा है तुम्हारा बेटा? जब तक मेरे पास था तब तक वो एक बच्चा ही था, अब इतना बड़ा हो गया कि अब मुझे ही उसके हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मेरे कंट्रोल में है ना। हाँ आओ सूरज आओ। हे, पूछना कैसा है? उसमें पूछने वाली क्या बात है, खुशी तो उसे भी बहुत होती होगी, अब उसी से उसका हाल कैसे पूछूं? कुछ लोग तो अपनी बात अपने दिल में ही दबा कर रख लेते हैं लेकिन बाहर से खुशी जताते हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बातें बेकार हैं। सूरज, लड़के वालों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस का इंतजाम करने के लिए कहा था, कर दिया? बात करके एडवांस दे दिया अंकल। मेहमानों के शाम का खाना तैयार करवा दिया? केटरिंग वाले को बता दिया अंकल, पप्लू जी वहीं पर है, शाम को जब वो आएंगे तो उनकी पसंद पूछकर हम ऑर्डर दे देंगे। मंडप का डेकोरेशन सुबह स्टार्ट हो जाएगा अंकल, फूल माले वाले को ऑर्डर दे दिया है, और शादी में लड़के के दोस्तों को ठहराने के लिए
अंबिका एम्पायर होटल में रूम बुक कर दिया है। ओके सूरज, ओके तुम कुछ मत बताओ। जब तुम और मनी मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। जैसा करना है वैसा करो। भाई ये हमारे घर की बेटी की शादी है, शादी पर आने वाले से 10 साल तक न बोले ऐसा इंतजाम होना चाहिए, क्या बोलते हो? 10 साल क्या, मेरे हिसाब से तो ये शादी मरते दम तक नहीं भूलनी चाहिए। प्रिया तुम यहाँ क्यों? कुछ मत कहो तुम, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे दिल में क्या है ये बता दो। देखो सच बताना, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? पसंद हूँ तो कह देना कि पसंद हूँ। तुम मुझे नहीं मिल पाए ये जानते हुए भी उस छोटी सी खुशी के साथ मैं मंडप में जाकर बैठ जाऊंगी। अगर पसंद नहीं तो ना कह देना, उस दर्द को अपने अंदर दबाकर मैं मंगलसूत्र पहन लूंगी। रुक जाओ सूरज, मुझे जवाब देकर जाओ। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार जरूरी है, तुम्हारे पापा को उनकी इज्जत प्यारी है, मेरे लिए मेरे पापा जरूरी हैं। इसलिए तुम भी अपने प्यार को जरूरी ना समझकर अपने उस दिल से मुझे निकालकर फेंक दो। ये शादी बिना किसी परेशानी की धूमधाम से होनी चाहिए, प्लीज। डैड इसी वक्त ये शादी रुकवाइए। जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना। मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है, हम सब घर वापस जा रहे हैं। ओहो, तो इस फोटो को देखकर ऐसा कह रहे हो? और क्या, ये लड़की कैरेक्टरलेस है जानने के लिए इससे बड़ा और क्या सब कुछ चाहिए? देखो बेटा, तुम्हारे अमेरिका में तो ये सब बहुत नॉर्मल है, इसके लिए इतना उछल रहे हो? सुनो, ये किसी और के साथ घूमती थी तो शादी के बाद तुम भी किसी और के साथ घूमना। कैसी बातें कर रहे हैं? तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। आप दोनों उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, जाओ यहाँ से। बड़ी आई, सुन, लड़की में ऐसा माइनस पॉइंट होने से ही हमारा प्लस पॉइंट है। हाँ, मैं तेरा बाप हूँ ना, तू इससे शादी कर ले, तेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, समझा कर। जो मन में आए दीजिए। ओके ओके, मान गया। उसके बाप को ये फोटो दिखाकर नेगेटिव राइट्स 1 करोड़ में बेच देता हूँ। प्ले विन। 1 करोड़ रुपए, चाहे ब्लैक में दो या व्हाइट में दो, शादी हो जाएगी। यहां से निकल जाओ। समझे जी, गुस्से से नहीं प्यार से बात करो। Hey, get up ऐसे। मैं तुझसे प्यार से बात करूं? निकल जा बाहर। सुनो, लड़की ने गलती की है, मुझे बाहर निकालोगे तो get up! मेरी बेटी के बारे में अगर कुछ कहा तो गोली मार दूंगा। Get lost! Okay, get up! Okay, okay. ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ सुनो, एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा हूँ। अगर 1 करोड़ दोगे तो बेटे को समझा दूंगा कि लड़की के इस तरह घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा यहाँ रहना या शादी कैंसिल करके चले जाना तुम पर निर्भर है। थैंक यू। तो सारी गलती मेरी ही है पापा, मैंने सूरज से प्यार किया जानते हुए भी कि मैं ये गलत कर रही हूँ। मैं सूरज को भुला नहीं पाई पापा, मुझे माफ कर दीजिए। What's happening here? क्या चल रहा है यहाँ पर? घर में एक जवान लड़की किससे बात करती है, क्या करती है, जाने बिना क्या कर रही थी? तो लड़के का बाप हाथ में फोटो लेकर बात कर रहा है, तुम्हारी बेटी उस लड़के के साथ घूम रही है। ऊपर से 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ उसके मुंह पर मार सकता हूँ, मेरे लिए पैसा बड़ा नहीं है। अगर मैंने उसे दे दिया तो ये लड़की गलत है, मुझे हर किसी से यही सुनना पड़ेगा। मान जाओ मैं। ए, बोल रहा। पापा, माँ को कुछ नहीं पता। तुम मुंह बंद रखो अपना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। भैया,
उसे सपोर्ट करना चाहती हो? भगवान के लिए मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। प्यार कब होगा, किससे होगा, कहाँ होगा, ये कोई नहीं जानता। अगर ये पता चल जाए तो उस समय कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ऐसे सबके सामने गुनहगार बन के खड़ी होगी। प्यार कब होगा किसी को पता नहीं होता ना, इसीलिए किसी और से सगाई करने के बाद प्यार करके सामने खड़ी है। शर्म नहीं आती क्या? मैंने इसे इसी तरह की शिक्षा दी है? बिल्कुल शिक्षा दी थी, उसी की वजह से तो अपने दिल में किसी और के होते हुए भी आपके तय किए लड़के से शादी के लिए राजी हो गई। इसके प्यार की बात किसी और के कहने पर ही आपको पता चली है ना, वरना इस बात को अपने सीने में दफन करके हमें बिना बताए अपनी जिंदगी जी रही होती। आप चाहे लाखों रुपए खर्च करके शादी करो या मेहमानों को अच्छा खाना खिला लो, उनका खाना शाम तक पच भी जाएगा पर रात में फिर से भूख लगेगी ना। शादी में आए लोग इस शादी को भूल भी जाएंगे, लेकिन इसे सारी जिंदगी उस लड़के के साथ निभानी पड़ेगी जिसे ये चाहती ही नहीं है ना। जरा सोच कर देखो, शादी में आए लोगों का आशीर्वाद जरूरी है या फिर इसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला? मंगलसूत्र पहनाने वाला जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक को देखकर उसे पक्का करने के बाद अब ये कह रहे कि सूरज उसे पसंद है, उसकी क्या वजह पूछो इससे। ये शादी अभी कैंसिल कर दूंगा मैं। अमरीका वाला लड़का आपको क्यों पसंद है इसकी वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन सूरज को पसंद करने की बहुत सारी वजह हो सकती है। लड़की अगर किसी लड़के से कहे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, उसके बावजूद उस लड़की के पीछे घूमने वाले लड़कों को पसंद ना करके ये लड़की अगर खुद जाकर किसी से कह रही है तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो लड़का बार बार उससे दूर भाग रहा है, तो हो सकता है इसे वो पसंद आ गया हो। जब एक दिन वो बिना बताए घर छोड़ के चला गया था तो रेलवे स्टेशन से आप ही उसे लाए थे, याद है? जब पूछा कि क्यों जा रहे थे तो उसने झूठ बोल दिया कि मुझे अपने पापा की याद आ रही थी इसलिए मैं जा रहा था। आपकी बेटी प्रिया मुझसे प्यार करती है इसलिए मैं जा रहा था, ऐसा उसने कहा। इस पर कोई आंच ना आए इसलिए शरीफ बना रहा। वो अच्छा दिल से पसंद आ गया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रेंडशिप हो या फिर लव, दोनों की एक जैसी फीलिंग होती है ना। वो आपके फ्रेंड का बेटा है इसीलिए आपने उसे आउट हाउस में ठहराया हुआ है ना, उसी फीलिंग के साथ इसने उसे अपने दिल में जगह दे दी, दोनों एक ही बात है। ऐसी कई वजह हो सकती है इसलिए इसने जो किया है वो सही है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर जरा सोचिए भैया, आपकी बात का मान रखते हुए ये इस शादी के लिए राजी है, ये इस लड़की की शराफत है, और इसकी स्थिति जानते हुए वो लड़का पीछे हट रहा है, ये उसकी शराफत है। और सबसे बड़ी बात, शादी में आए लोग तुम्हारी बेटी पे कहीं लांछन ना लगा दे और तुम्हारी इज्जत ना चली जाए इस बात के डर से। इन दोनों को अलग मत करो, अलग मत करो भैया। लक्ष्मी भैया माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर लक्ष्मी सही बोल रही है। शादी में जो लोग आए हैं उन सबके सामने जाकर मेरी बेटी पे कसूर है, वो बहुत अच्छी है, ये कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो तय कर लिया है उस समय पर इसकी शादी जरूर होगी, बस यही मेरे लिए जरूरी है। कहाँ है वो सूरज? सूरज सूरज पता नहीं क्या हुआ लेकिन लड़के वाले नाराज होकर वापस जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी चलो। पापा वाह है वो लोग। सर सर मुहूर्त के समय बिना बोले इस तरह से चले आए आप लोग, क्या हुआ सर, वापस क्यों जा रहे हैं आप लोग? सर आप लोगों से किसी ने बदतमीजी की है क्या सर, या किसी ने कोई गलत हरकत कर दी है सर? सर बोलिए ना सर। सर शादी की तैयारी में अगर कुछ कमी रह गई हो तो उस पर इतना ध्यान मत दीजिए सर। सर प्रॉब्लम क्या है ये बताएंगे तब तो समझ पाएगा ना सर। सर कैसी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा सर। प्रॉब्लम तुम मैं सर 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 आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैंने क्या प्रॉब्लम किया सर? तुम्हारे और प्रिया के बीच क्या चक्कर है हम जानते हैं, ऐसी लड़की से हम रिश्ता नहीं कर सकते। सर प्रिया और मैं? नहीं सर, वो लड़की कहाँ और मैं कहाँ? सर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है सर। सर किसी ने आपको गलत बातें बताकर भड़का दिया है सर, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। लुक हियर, बिना सबूत के भरोसा कर ले इतने पागल नहीं, देखो ये फोटो। सर 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 इस फोटो को देखकर इस लड़की का कैरेक्टर गलत मत समझिए सर, सर वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं आपको कैसे समझाऊं सर, मैं अपने पापा को भगवान की तरह मानता हूं सर, मैं इनकी कसम खाकर कहता हूं सर, वो बहुत अच्छी लड़की है सर, गंगा जल की तरह पवित्र है, उसे कोई गंदा नहीं कर सकता सर। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, सर विश्वास कीजिए। बार बार वही बोल रहे हो, हमें कुछ नहीं सुनना। सर विश्वनाथ जी को इस शहर में बहुत ही इज्जत की नजर से देखा जाता है, अगर ये शादी रुक गई तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सर। सर इस बेइज्जती से वो खुदकुशी कर लेगा सर, बहुत खुददार आदमी है सर। क्या कहना चाहते हो, क्या दुनिया में वो अकेला ही खुददार है, है? हमें कोई खुददारी नहीं है, क्या कहना क्या चाहते हो? सर मेरे कहने का मतलब ये था सर। इसके क्या बकवास सुन रहे हो, क्यों रे, शायद से पहले बहुत मजा लिया अब इनके सर पे बांधना चाहते हैं। उस लड़की के बारे में अगर तुमने
सर, सर प्रिया के बारे में तो भगवान भी गलत नहीं बोल सकता सर, वो बेकसूर है सर। नहीं, वो बेकसूर है, फोटो देखने के बाद भी यकीन करूं? सर आप मेरी बात, जब उसके बाप को ही बेटी की चिंता नहीं है तो तुझे क्यों है? है? सुन, तू चाहे कितना भी रो धो ले, ये शादी अब नहीं हो सकती। सर मुहूर्त के समय अगर लड़की लड़के को नापसंद कर दे तो उसी मुहूर्त में कोई और लड़की उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी, पर अगर कोई लड़का किसी लड़की को नापसंद कर दे तो फिर जिंदगी भर उस लड़की की शादी नहीं हो पाएगी। सर उसकी जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए सर। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, आइए मंडप में वापस चलते हैं। लुक हियर, उस दिन उस लड़की का हाथ पकड़ कर फोटो खिंचवा रहा था तब सोचना था ना ये, आज मेरे पैर पकड़ने में शर्म नहीं आती तुझे? आपका जितना गुस्सा है वो सारा मुझ पर उतार दीजिए सर, आप जो चाहे वो सजा मुझे दीजिए, लेकिन भगवान के लिए इस शादी को रोक कर मत जाइए सर। बहुत हुआ, अभी तो क्या, अब उस लड़की की शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर कोई उससे शादी के लिए राजी भी हो गया तो मैं यहाँ आकर तेरे बारे में सब बता दूंगा। सर चल हट यहाँ से प्लीज। Hey, लड़के वाले हो ये समझ के थोड़ी तमीज से बात कर ली तो सर पे ना चुके तुम लोग, ये शादी किए बिना तुम लोग शहर से बाहर कैसे चले जाओगे? बेटा नारियल की तरह काट कर दूंगा तुम सबको। नहीं बेटा छोड़िए पापा। hey, तुम लोगों में से किसी में भी अगर हिम्मत है कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए तो ट्रेन में चढ़ कर दिखाए। और सुन दूल्हे, प्रिया जैसी लड़की तुझे जिंदगी में नहीं मिल सकती, चल वापस मंडप में। ओए अपने बाप को क्या देख रहा है, उसे भी चलने के लिए बोल रहा हूँ, अब चल जल्दी मंडप में। अंकल अंकल कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, दूल्हा मंडप में जाने को तैयार है, आप वहाँ जाकर पूरी तैयारी करवाइए, मैंने लेकर आ रहा हूँ। सूरज उन्हें जाना था। अंकल कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन था, प्रिया को पता चलेगा तो अपसेट हो जाएगी, आप उसे जाकर बोले कि आ रहा है दूल्हा। रहने तो सूरज मेरी बात मानो। hey, समझता क्या है तू अपने आपको, मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां मिलेगी, मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगा, तेरी लड़की तो चलो यहां से। अंकल वो जा रहे हैं, जाने दो उन्हें, प्रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंकल उन्हें रोकिए, अंकल बुलाइए। अंकल तुमने मुझे धोखा क्यों दिया बताओ? अंकल क्या अंकल आपको भी उनकी तरह मुझ पे भरोसा नहीं? प्रिया तुम्हें पसंद है, सच बोलना, प्रिया तुम्हें पसंद है या नहीं? पसंद है अंकल, प्रिया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बात मैंने अब तक प्रिया को भी नहीं बताई, लेकिन अब आपको क्यों बताई पता है? आपने सवाल किया था ना मुझे धोखा क्यों दिया, इसलिए। प्रिया तुम्हें पसंद है ये बात तुमने मुझसे छुपाई, और तुम्हें ये गलत नहीं लगता? नहीं अंकल, मुझे प्रिया के प्रति अपनी चाहत से ज्यादा आपकी और पापा की दोस्ती बड़ी लग रही थी। विजी के घर जाकर तू भले ही कामचोर क्यों न बन जाना, लेकिन मुझे उससे माफी मांगने की जरूरत पड़े या वो मुझसे माफी मांगे ऐसा कोई भी काम मत करना, ये कहकर भेजा था। इन सब बातों की वजह से कहीं आप लोगों की दोस्ती के बीच दरार ना आ जाए, मैंने अपना प्यार अपने दिल में ही दफन कर लिया अंकल। मैं भी गधा हूं यार, गधा। मेरा दामाद ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कहां कहां ढूंढ रहा था, पर उसके दिल में क्या है ये मैंने नहीं जाना। इस हीरे जैसे लड़के को पास में रखकर दुनिया भर में लड़का ढूंढता रहा। आई एम सॉरी मनी, वेरी सॉरी। सूरज, सूरज ही मेरा दामाद है, तुम ही मेरे दामाद हो, तुम ही हो। हे स्टिल, तुम लोनावला से कब आए? तुम भी ना यार, कल रात को ही मैं आया था, सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि तुम्हारी गिफ्ट भी मैंने दे दी थी। गिफ्ट किसे दी तुमने? काला सा आदमी पागलों की तरह था, पेंटिंग से उसने मुझे बना रखी थी। वो वही तो है। ए गब्बर इधर आ। क्या हुआ भाई, इन्होंने तुझे कोई गिफ्ट दी थी क्या? अच्छा वो वाला, उसे तो दूल्हे को देने को कहा था ना, मैंने तभी उसे दे दिया था। है? वो पहले वाला। मतलब तुम दूल्हे नहीं हो क्या? नहीं था अब। और तब? तब कोई और था। शादी किसकी है? अब मेरी है। और तब किसकी थी? तब तो उसकी थी। क्या यार, आखिर में दूल्हा कौन बना? यही तो दूल्हे है ना। तुम्हारी दी हुई उस फोटो की वजह से यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई है। तुम खाना खा के आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अरे यार मैं लोगों को उलझाता हूँ, तुमने मुझे उलझा दिया, पहले खा कर आता हूँ। आओ आओ खाते हैं। इन सब की जड़ तो असल में तू ही है। देखो भाई, यहाँ वहाँ मारना शुरू मत करना समझे, अगर मैं ये फोटो वहाँ नहीं पहुँचाता तो तुम इस जगह दूल्हे बने हुए होते क्या? होते क्या? होते क्या? होते क्या? होते क्या? होते क्या? होता तो नहीं पर। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, चल बे। अबे अबे रुक, अबे कहाँ भाग रहे? अबे तू भागेगा कहाँ? फटाफट शादी करके लड़की को दौड़ाने की जगह मुझे दौड़ा रहा है। कौन है? सॉरी सॉरी सॉरी। रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, इतना भी मैनर नहीं है।
जवाब दिए बगैर कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें दरवाजा बंद क्यों कर दिया? ए, दूर, मैं शोर मचा दूंगी। चले जाओ सूरज, सबको बुला दूंगी, मेरी बात मान लो। चंचल शीतल निर्मल है मन तेरा।